ओके सो हम ट्राई करेंगे आज 4:32 से 4:35 जो कि डील करता है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, पावर टू रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट करने की पावर सेंटेंस को, ठीक है, जो सजा दे दी गई है तो गवर्नमेंट चाहे तो उसे रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कॉम्यूट कर सकती है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद हम पढ़ लेंगे सेक्शन 440 से लेकर 450 तक, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्ड की एंड श्योरिटीज की, ठीक है। देन विल अगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं रहा, विल ट्राई टू कवर, वैसे कोशिश करेंगे, हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। 451 से लेकर 450 ये जो प्रोविजन है आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फिफ्टी नाइन तक हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 460 से तो एक नया टॉपिक रहेगा, इरेगुलरिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इरेगुलरिटी और लिमिटेशन एक क्लास में कर लेंगे पूरा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, फिर बचता कुछ नहीं है, 479 एंड 482 ये और बचते हैं, इरेगुलरिटी लिमिटेशन दो तीन सेक्शन पीछे के हैं, फिर हम जो हमारा आगे का छूट गया वो कर लेंगे। तो यहाँ है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये हमारे एक टारगेट रहेगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर है सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कब गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकती है सजा को, एक कोर्ट के देने के बाद भी सरकार के पास पावर होती है, वो कम कर सकती है या कम्यूट कर सकती है या रेमिट या सस्पेंड भी कर सकती है फॉर द टाइम बिंग। एंड बॉन्ड और श्योरिटी, जब बेल बॉन्ड होती है, जब किसी को छोड़ा जाता है जमानत पे, तो उससे जमानत ली जाती है, पर्सनल बॉन्ड होता है एक, तो एक होता है श्योरिटी बॉन्ड, तो दो तरीके के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम, एक होता है पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है, एक होता है श्योरिटीज से बॉन्ड लेना, जमानत तो वो देगा ही किसी इंसान की, एट द सेम टाइम उससे भी बॉन्ड भरवाया जाता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 440 से 450 तक। एंड लास्टली डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, वो भी हम पढ़ लेंगे, जबकि वो कोर्स में हमारे बैरेट में डायरेक्ट लिखा नहीं है, आई एम श्योर शायद आपने सुना होगा वर्ड सुपरदारी, सुना है, किसने सुना है वर्ड सुपरदारी? सीमा आपने तो सुना होगा, कोर्ट जाते हैं, सुना है क्या होता है सुपरदारी? सुपरदारी यामिनी आप बताओ, सुना है तो वर्ड? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो तो आसान सी बातें हैं कि कोई संपत्ति है जो पेरिशेबल नेचर की है, या प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने जब्त करवाई तो किसको हैंड ओवर की जाए, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। एट द सेम टाइम सुपरदारी, सुपरदारी हर्षना आपने पढ़ा है, क्या होता है सुपरदारी? चलो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बल्कि मैं आपको बताता हूँ दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आया था अभी रिसेंटली मेन्स के पेपर में, उसमें क्वेश्चन क्या था, क्या सुपरदारी पे जो जब्त की गई है प्रॉपर्टी, बेसिकली आपने सुना होगा जैसे बाइक या कार होती है जब चोरी हो जाती है, तो चोरी होने के बाद अगर वो मिल जाती है संपत्ति, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो क्या आप पुलिस थाने जाके सीधा आपको वो संपत्ति वापस दे देगी पुलिस? नो सर, कोर्ट के थ्रू मिलती है ना फिर। तो कोर्ट के थ्रू जो मिलते हैं उसी को सुपरदारी बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को ही सुपरदारी बोलते हैं, क्योंकि वो चोरी की संपत्ति थी, वो रिकवर हुई है, तो रिकवर ऐसा तो नहीं है थाने जाओगे कहोगे भाई मेरी संपत्ति वापस करो, मिल गई तो वापस दो, तो कोर्ट सुपरदारी करके भेजती है, एक बॉन्ड भी भरवाती है उसमें, ठीक है। तो उसमें ये डायरेक्शंस होती है कि जब वेन एवर डिस्पोजल ऑफ द केस जब होगा, तो आपको जब जब अगर जरूरत पड़ेगी तो वो संपत्ति लानी पड़ेगी कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि चोरी में इस्तेमाल हुई, क्या पता उस इंसान की है या नहीं है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द, जब फाइनल डिस्पोजल होगा तब भी कई कई बार ऐसा हो सकता है संपत्ति किसी और को देनी पड़े, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन दैट। तो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चन क्या था, क्या अगर सुपरदारी
में प्रॉपर्टी संपत्ति छोड़ी जा सकती है अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मोटर व्हीकल एक्ट को कवर करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था ये, जबकि इसका वैसे मोटर व्हीकल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंश्योरेंस का तो है। अच्छा आप बताइए जरा, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस रही है तो कितना फाइन होता है? क्या कुछ फाइन है इंश्योरेंस नहीं है तो? कोई सेक्शन वगैरह है? गाड़ी वाड़ी तो चलाते ही हो आप लोग, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। हाँ जी, नहीं यामिनी पता, बताओ, हर्षना कुछ है फाइन वाइन? सर फाइन तो है, कुछ ही फाइन नहीं तो पता। वैसे तो कुछ सेक्शन तो सारे तो नहीं याद करोगे, लेकिन जो आप सड़क पे जब जा रहे हैं अपनी व्हीकल को लेकर, तो कम से कम उससे रिलेटेड जो प्रावधान है, पुलिस से पूछ ले, भैया आप तो वकालत कर चुके हैं, वकील हैं आप बताइए जरा, गाड़ी का आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो कल को बोल दे 50,000 का फाइन है तो 50,000 मान लोगे? तो एटलीस्ट कुछ सेक्शंस पता होना चाहिए ना, जैसे इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, ये छोटे बेसिक लॉ तो पता ही होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड यू कांट पूरा मोटर व्हीकल एक्ट तो रट के नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट जब आप कुछ चीज़ यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रोविजन पता होना चाहिए। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी 2,000 रुपये का फाइन है, सेक्शन 196 है मोटर व्हीकल का। ठीक है, 3 महीने तक की सजा भी है, सेकेंड टाइम भी 3 महीने की सजा है। तो पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो पता होने चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद सेक्शन 432 से लेकर, पहले हम बात कर लेंगे 435, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी सजा को जो ऑलरेडी कोर्ट ने दी है। कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है जस्टिस देना, कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी, न्याय करते हुए कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी, सेंटेंस दे दी। अब क्या इस पनिशमेंट को गवर्नमेंट जो है क्या वो इसको रेमिट कर सकती है, क्या वो इसको सस्पेंड कर सकती है फॉर द टाइमिंग, जरूरत पड़ी तो सस्पेंड, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो कॉम्यूट भी कर सकती है। ये जो प्रोविजन है इट्स हैज टू बी रेड इन द कॉन्सोनेंस विद द आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पार्डनिंग पावर है, ठीक है, पार्डनिंग, रेमिट, रेमिशन, रिप्राइव, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान में पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को। प्रेसिडेंट और गवर्नर कौन है? क्या ये जुडिशरी का पार्ट है? द आंसर इज नो, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, तो इसलिए इन प्रोविजन को शुड बी रेड इन द कॉन्सोनेंस विद द आर्टिकल 72 एंड 161। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ आई मीन द 432 जो है इसमें जो भी वट एवर द डिसीजन जो भी वैसे सरकार लेती है, दैट हैज टू बी कन्फर्म्ड बाय द कोर्ट ऑफ नॉट कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही गवर्नर और प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है उनकी सोल डिस्क्रिशन नहीं होती, दैट हैज टू बी इन द कॉन्फर्मेटी विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी पूछ कर ये काम होता है। और ऑफ कोर्स ये बात है, हम ऑलरेडी एक बात और पढ़ चुके हैं कि क्या ये जो पावर है सरकार की, गवर्नमेंट के जो पावर हमने दी है 432 एंड 435 में, वेदर इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारी सरकार के पास पावर है सजा को रेमिट करने की, अब रेमिट कब होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। रेमिट क्या है? सजा को या तो होली और पार्टली खत्म कर देना, ठीक है, होली और पार्टली खत्म कर देना। अब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे ही होती है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है? भाई तुम आगे फ्यूचर में कोई क्राइम नहीं करोगे, अच्छे नागरिक की तरह रहोगे। कई जगह वर्ड यूज किया गया है प्री मेच्योर रिलीज, ठीक है, प्री मेच्योर रिलीज कई जजमेंट में भी यूज किया गया है, प्री मेच्योर रिलीज करना। तो द प्री मेच्योर रिलीज करना कोर्ट का काम नहीं है, यह है सरकार का काम, गवर्नमेंट का काम है प्री मेच्योर रिलीज करना। अब गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? अ वर्ड जो कई जगह यूज हुआ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज हुआ है।
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास तो अपनी पुलिस है नहीं, तो दिल्ली की पुलिस ने जिस इन्वेस्टिगेशन किया होगा उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यानी केजरीवाल की सरकार नहीं कर सकती। दैट हैज टू बी इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, के साथ सुलह करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद, एंड देन ओनली द मैटर कैन बी रेमिटेड और सस्पेंड और कम्यूट की जा सकती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो प्री मेच्योर रिलीज यानी उसकी जो सजा दी गई है उससे पहले उसको छोड़ा जाना, ओके। और क्या मैं आपको बता रहा था, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास पावर है वो बहुत वाइड तो है, बट ऑफ कोर्स जब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ते हैं, दिस पावर कैन नॉट बी यूज इन आर्बिट्री एंड कैप्रिशियसली मैनर, और इसलिए ही जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है इनका। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, दैट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। इवन वी हैव सीन इट व्हाइल वी डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा था, जब मिस्टर शिंदे ने, हु वॉज ए गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जब उसको पार्डन कर दिया गया था, ठीक है, याद होगा आपको, कांग्रेस का जो एक यूपीए गवर्नमेंट में वो पहले मिनिस्टर रहा था, तो बाद में वो गवर्नर रहा, तो उसने पार्डन भी कर दिया था, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू भी हुआ अच्छा, था। कौन सा केस है, नाम बता दीजिए। हाँ जी, किस केस? हाँ जी, ठीक है, तो आपके पास नोट्स हैं सारे, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने लिखवाया भी है, तो वहां पर भी आपने देखा कि उन चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसे ही सरकार का जो भी डिसीजन होगा, जहां वो रेमिट कर रही है, सस्पेंड कर रही है, कॉम्यूट कर रही है। अब जो कॉम्यूट जो यूज हुआ है, वो यूज हुआ है हमारा सेक्शन 433 में। रेमिट और सस्पेंड जो यूज हुआ है वो हमारा 432 में यूज हुआ है। अब होता क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन पे ही हम किसी को रेमिशन कर रहे हैं। रेमिशन क्या हो सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है? वैसे बैरेट में कहीं नहीं लिखा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, बट कुछ केसेस को देख लेंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे भी हो सकते हैं जो मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बता रहा हूँ। जैसे आपको सपोज कीजिए, एग्जाम्पल, दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है हमने, ठीक है। अब दाऊद इब्राहिम का जो एक और गुर्गा है, गुर्ग जो भी बोलते हैं, उसके साथी हैं, जैसे छोटा राजन है, छोटा राजन, ठीक है। अब छोटा राजन को शायद आपको पता होगा कहाँ से पकड़ा गया था, कहाँ से पकड़ा गया था, बाली से पकड़ा गया था नहीं? तो इसको अगर हमने छोटा राजन को अरेस्ट कर लिया है, इसको सजा भी हो गई है, तो जेल में है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकते हैं कि भाई ये हेल्प करेगा मैं दाऊद को पकड़वाने में, तो इसलिए हम उसको रैमिट भी कर सकते हैं। रैमिट क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूरी सजा पार्डन कर दिया, बिल्कुल बाइज्जत भरी, उसकी पूरी सजा कम कर सकते हैं, या उसकी सजा में कुछ पार्ट कम कर सकते हैं, होली और पार्टली, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड। और ये सरकार करती है, कोर्ट नहीं करती है। बट वेन एवर द गवर्नमेंट जब भी कुछ करेगी ना, जिस कोर्ट ने सजा दी होगी, ये ध्यान देना, जिस कोर्ट ने सजा दी होगी उसकी ओपिनियन भी लेती है भाई। ऑफ कोर्स ही बात है, कोर्ट दे रही है सजा, सरकार छोड़ रही है, तो ये तो गलत तरीका हो जाएगा ना, तो इसलिए इसकी ओपिनियन भी मांगी जा सकती है, मांगी जाती ही है, राइट। तो ये हमारा होगा 432, 433। 433 में तो बहुत सिंपल सा है, उसमें कॉम्यूट की बात की गई कि भाई लाइफ को, डेथ है तो लाइफ कर दो, वो बिल्कुल ईजी है, वो आप बिल्कुल बेरेक्ट से समझ लेंगे कि सजा को कम किया जा रहा है, कॉम्यूट किया जा रहा है। और 433A है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जहां पर किसी इंसान को हमने डेथ दी, डेथ से लाइफ में कॉम्यूट करी, और इसके बाद जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एटलीस्ट ही मस्ट हैव टू कम से कम 14 साल तो वो जेल में रहेगा, देन ओनली उसको रिलीज किया जाएगा, प्रीमेच्योर रिलीज, ठीक है, 433A। फिर 434 और 435 हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे कॉन्करेंस ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, और यहाँ पे प्रिवेलिंग की बात की गई। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, रूल रेगुलेशन है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के रो प्रिवेल कर जाते हैं, जहाँ पर अगर इट्स इफ इट इज इन कंफ्लिक्ट विद द स्टेट लॉ, उसमें फिर हम वही है कि इन्वेस्टिगेशन किसने करी है। जैसे दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, सेंटर के द्वारा बनाए हुए जो रूल रेगुलेशन होंगे वो फॉलोड होंगे। एंड 434 इट्स वेरी सिंपल। तो ये हमारा एक कवर होगा टॉपिक, अब हम बैरेक पढ़ेंगे, बीच में एक दो केस लॉज होंगे वो हम कर लेंगे।
ठीक है। और रेमिशन का मतलब एक्विटल नहीं होता है, और रेमिशन या फिर ये सस्पेंशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना सकती है। जैसे स्टेट्स ने, जैसे अगर बात करें, केरला ने भी अपने एक बनाया था केरला क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस। तो द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स फॉर द किस ग्राउंड्स पे, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो प्री मैच्योर रिलीज दे सकती है। तो ये आपने लिख लिया, तो मैं अब बेरेट की तरफ चलूं, अगर आपने लिख लिया है तो आ गया है, तो आगे चलते हैं। एक केस लॉ करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ था, उसमें और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू विद द बेरेट, बेरेट पढ़ लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो बेरेट से ही आते हैं आपके प्रीलिम्स के। नाउ 432, सेक्शन 432 क्या कहता है, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस। तो आप ध्यान रखना, 432 में बात की गई है सस्पेंड की और रेमिट की। व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस टू पनिशमेंट, जब किसी इंसान को पनिश किया गया होगा फॉर एन ऑफेंस, अ वर्ड क्या यूज किया गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आईपीसी की धारा कोई है जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है? हाँ जी, 54 and 55। हाँ जी, तो आपको वो भी ध्यान में रखना क्योंकि वहां पे भी हमने 54, ये बस सेक्शन एग्जैक्ट बता देता हूँ वैसे, 55 तो माइंड में है ही, 54 भी है या नहीं है। ओके, तो डेफिनेशन जो दे रखी है 55A में है वो, ठीक है। वहां पे भी आपने देखा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ रीजन फॉर लाइफ को कम करना, फिर 57 में फ्रैक्शन की बात की गई है, 54 में डेथ को कम करने की बात की गई। तो यू हैव टू गो थ्रू विद, आपको माइंड में ये ध्यान जरूर रखने हैं सारे सेक्शन आईपीसी के, 54, 55, 55A, ठीक है। और फ्रैक्शन भी अगर ध्यान में रखेंगे तो 57, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना आईपीसी के व्हाइल रीडिंग दिस प्रोविजंस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। मे एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन, एनी टाइम किसी भी टाइम, विदाउट, विद और विदाउट हो सकती है कंडीशन, विच द पर्सन सेंटेंस एक्सेप्ट। अब वो जो दूसरा इंसान है, जो कंडीशन हमने लगाई है, जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड है, उसको ये कंडीशन एक्सेप्ट भी तो होनी चाहिए, तभी तो मिलेगा उसको फायदा। अगर वो कंडीशन को, जो सरकार कंडीशन लगा रही है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वाई द गवर्नमेंट विल रिलीज, प्रीमेच्योर रिलीज क्यों करेगी, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सस्टेंस, सस्पेंड कर सकते हैं उसके सेंटेंस को, सस्पेंड कर देंगे या रेमिट कर देंगे, ठीक है। अब रेमिट कितनी कर सकते हैं, या तो होल कर दें, पूरी सजा ही खत्म कर दें, और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट, एनी पार्ट विच ही हैज बीन सेंटेंस, जिसके लिए उसको सजा मिली होगी। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है यहाँ पे, वेन एवर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द सस्पेंशन और रेमिशन ऑफ द सेंटेंस, जब कभी भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, ये भी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कौन लगाएगा। वेन एवर एप्लीकेशन इज मेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, को जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी ऑफ अ सेंटेंस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट। अब ये जो टू है, ओपिनियन की बात करता है, जज की ओपिनियन की बात करता है। मैंने आपको बताया कि जज की ओपिनियन भी लेंगे। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाय विच द कन्विक्शन वॉज हैड और कन्फर्म, जिस प्रिसाइडिंग जज ने, यानी जिस कोर्ट ने सजा कन्फर्म करी होगी उस अपराधी की, टू स्टेट इज ओपिनियन, वो अपनी क्या देगा, ओपिनियन देगा एज टू वेदर द एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड और रिफ्यूज, क्या वो एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो या रिफ्यूज हो, टुगेदर विद हिज रीजन, और अपना कारण भी बताएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है सरकार छोड़ना चाह रही हो वीरप्पन जैसे अपराधी को,
तो कोर्ट मना कर देगा ना भाई, इस अपराधी को कैसे छोड़ा जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो करीम अब्दुल करीम वाले केस से रिलेट मत करना, ठीक है। अब्दुल करीम में भी विड्रॉ हो गए थे, प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉ कर लिया था केस, तो वहां पे कोर्ट ने कहा भाई प्रोसिक्यूशन इज नॉट अ कठपुतली ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना दिमाग लगा है, ठीक है। अब्दुल करीम का जो केस था, आई होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट। ओके, सो वेदर द एप्लीकेंट शुड बी ग्रांटेड और रिफ्यूज टूगेदर विद हिज रीजन फॉर सच ओपिनियन, तो कोर्ट अपनी रीजन जो भी देगा, जो भी उसकी ओपिनियन है उस पर रीजन भी देगा, एंड ऑल्सो टू फॉरवर्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ सच ओपिनियन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल और ऑफ सच रिकॉर्ड दे रहे हैं, और वो अपनी सारी जो कॉपीज हैं वो रिकॉर्ड को भेज देगा सरकार, ठीक है। नाउ थर्ड क्या कहता है, इफ एनी कंडीशन ऑन विच अ सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड, जिस भी कंडीशन पे जो सेंटेंस है वो रेमिट या सस्पेंड की गई होगी, इज इन द ओपिनियन ऑफ द अपीलिंग गवर्नमेंट नॉट फुलफिल्ड। अब मैंने आपको बताया कि जो सरकार क्या है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कंडीशन पे जिसको एक्यूज को, कन्विक्टेड को रिलीज या सेंटेंस किया गया होगा, अगर वो फुलफिल नहीं होती है, तो ये लॉजिक पे ही बेस्ड है, नॉट फुलफिल्ड। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो क्या करेंगे भैया, दोबारा उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो और उसको फिर जितनी रिमेनिंग सजा है वो काटेगा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कैंसिल कैंसिल कर दिया जाएगा उसको, जिस ग्राउंड पे दिया गया था सस्पेंशन और रेमिशन, एंड देयर अपॉन द पर्सन इन हुज फेवर द सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड मे इफ एट लार्ज बी अरेस्टेड, तो मैंने आपको बताया अरेस्ट कर लिया जाएगा उस इंसान को, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। अब वारंट की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, विदाउट वारंट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, क्या वारंट की जरूरत होगी, अब वारंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अक्सर वारंट की जरूरत होती है, लेकिन इस टर्म्स एंड कंडीशन पे जब रेमिट किया गया है उसको, इफ इज नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑन विच हैज बीन रिलीज्ड, देन ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट एंड रिमांड टू अंडरगो द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, तो जो भी उसकी अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ सेंटेंस है जो हमने रेमिट कर दी थी, भाई पूरी काटो। फोर्थ क्या कहता है, द कंडीशन ऑन विच अ सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड अंडर दिस सेक्शन मे बी वन टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन इन हिज फेवर द सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड और वन इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। फोर्थ में भी ये बात की गई है कि जब हम किसी के ऊपर कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं जो कन्विक्टेड है, जब हम इसको जो भी कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो विच कैन बी फुलफिल्ड, ऐसा ना हो जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हो ही नहीं सकता वो कंडीशन लगा दे, तो वो तो जो कॉन्सेप्ट है वो ही डिफीट हो जाएगा। तो कंडीशन ऐसी हो ना, यू विल बी कोऑपरेटिंग अस फॉर फाइंडिंग आउट द फर्दर क्रिमिनल्स, यू वुड बी अ गुड सिटीजन, आप वॉयलेट नहीं करेंगे, आप कुछ इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, या कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन, वैलिड टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती है विच कैन बी फुलफिल्ड बाय दी एक्यूज्ड। ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसको ऐसी कंडीशन लगा दे जो फुलफिल ही ना कर पाए, एंड दैट कंडीशन कैन नॉट बी कंप्लीटली अगेंस्ट, ऐसा नहीं हो सकता जो वो फुलफिल ना करे या उसके कंप्लीटली अगेंस्ट हो। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर गिव डायरेक्शन एज टू द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस इन द कंडीशन ऑन विच द पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड एंड डील्ड विद। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो जनरल और स्पेशल रूल से गिव अ डायरेक्शन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड द कंडीशन ऑफ द पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड, कि किन किन कंडीशन पे पिटीशन लगाई जा सकती है, एंड डेल्ट विद प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी सेंटेंस। मैंने आपको बताया जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, केरला क्रिमिनल रूल्स और प्रैक्टिस बनाए गए, हर स्टेट अपना बना सकती है, जैसे केरला ने बनाए अपने केरला क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, तो ऐसे हर स्टेट अपने बना सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस।
provided that in the case of any sentence other than the sentence of fine passed on a male person above the 18 years of age, no such petition by the person sentenced or by any other person on his behalf shall be entertained unless the person sentenced in the jail. अब यहाँ पर क्या है, प्रोवाइज तो इसका इंपॉर्टेंट रह सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन केस ऑफ एनी सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस अगर दी गई है अदर देन द सेंटेंस ऑफ फाइन, फाइन वाली को छोड़ के, ठीक है, पास ऑन अ मेल पर्सन जो 18 साल से ऊपर है, अगर कोई भी सजा दी गई होगी जो 18 साल से ऊपर है, नो सच पिटीशन बाय द पर्सन सेंटेंस और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द पर्सन सेंटेंस इज इन अ जेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. अगर कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है, जब वो एप्लीकेशन लगाएगा या उसके बिहाफ पे कोई और एप्लीकेशन लगाएगा, देखो आप यहां पढ़ेंगे नो सच पिटीशन बाय द पर्सन सेंटेंस्ड और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो 18 साल से ऊपर है वो खुद भी लगा सकता है या उसके बिहाफ पे एनी अदर पर्सन. ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, शैल बी एंटरटेन अनलेस, एप्लीकेशन एंटरटेन होगी नहीं जब तक द पर्सन सेंटेंस इज इन अ जेल, वो जेल में होना चाहिए, ही शुड बी इन अ जेल. ठीक है, यानी कस्टडी में होना चाहिए वो, देन ओनली ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेमिशन और सस्पेंशन. अब ए क्या कहता है यहां पर, and where such petition is made by the person sentenced, it is presented through the officer in a jail. अब जब petition लगाई जाएगी, अगर वो jail के अंदर है तो वो कैसे, jailer लगाएगा उसके लिए, jailer को दे देगा, then officer in charge of the jail लगा देगा. B क्या हो सकता है, where such petition is made by other person, it contain a declaration that the person sentenced in a jail. और अगर कोई और लगा रहा है तो वहां पे डिक्लेरेशन चाहिए होगी कि दैट पर्सन इन अ जेल एंड देयरफॉर ही इज नॉट एबल टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि वो जेल में है एंड देयरफॉर ही इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या कहता है इसमें, देखो इसमें समझना, अगर कोई इंसान जेल में है वो खुद ही लगाना चाहता तो वो जेलर को देगा, और अगर कोई और उसके बिहाफ पे लगा रहा है तो वो डिक्लेरेशन देगा कि वो इंसान जेल में है, अक्यूज जेल में है, कन्विक्टेड है, और इसलिए मैं उसके भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा हूँ. नाउ सिक्स, द प्रोविजन ऑफ द अबव सबसेक्शन शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑर्डर पास बाय द क्रिमिनल कोर्ट अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस कोर्ट और एनी अदर लॉ विद रेस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ पर्सन ऑन हूज एनी लायबिलिटी अपॉन हिम ऑन हिज प्रॉपर्टी. तो सिक्स कहता है ये जो प्रोविजन है, जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं सबसेक्शन, वहां पे भी अप्लाई होंगे, शैल ऑल्सो अप्लाई, टू एनी ऑर्डर पास बाई क्रिमिनल कोर्ट, जब कोई क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया होगा, किस चीज का ऑर्डर, अभी तक हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, पनिशमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि उसको पनिशमेंट, उसने ऑफेंस किया इसलिए कोर्ट ने उसको सजा दी, उसको कम करने की बात की गई है. लेकिन ये जो हमने प्रोविजन पढ़े हैं रेमिशन के, सस्पेंशन के, ये वहां पे भी अप्लाई होगा जहां पे क्रिमिनल कोर्ट ने इस सेक्शन के अंदर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम विच रेस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, जहां पे किसी भी इंसान को उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया होगा, और इम्पोज एनी लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी ठहराई गई होगी अपॉन हिम और हिज ओन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वहां पे भी अप्लाई होगा जहां पे किसी भी कारणवश अपार्ट फ्रॉम द ऑफेंस को उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया होगा, लिबर्टी को कर्टेल मतलब उसको जेल में किया होगा, डिटेन किया गया होगा, वहां पे भी अप्लाई होगा ये. नाउ सेवन क्या कहता है, इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 433 द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, वैसे तो ऑलरेडी 55 का जो है वहां पर भी क्लियर कर दिया गया है, तो ये सिंपली कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन केस वेयर द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट और एनी ऑर्डर रेफर टू इन सेक्शन 6 इज पास अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू व्हिच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड. तो जहां पर यूनियन गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जहां पर इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट के अलावा
वहां पर स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब हम एक केस इसमें कर लेते हैं कि व्हाट कैन बी द कंडीशन। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल जब वाइल जब गवर्नमेंट जो है किसी को छोड़ती है तो पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जा रहा है उसके आधार पर छोड़ दिया जाए। तो उसमें मैं केस भी लिखवा दूंगा, पॉलिटिकल वेंडेटा और पार्टी फेवरेटिज्म कैन नॉट बी इंटरलोपर इन दिस एरिया। पहले एक उससे पहले केस कर लेते हैं, लक्ष्मण नास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लक्ष्मण नास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपका 2000 का केस है, 2000 का है। अब इस केस में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लिस आउट द कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए वाइल मेकिंग अ रिमिशन। ठीक है, जब हम किसी भी इंसान को रेमिट कर रहे हैं, प्री मेच्योर रिलीज कर रहे हैं, प्री मेच्योर रिलीज, तो व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन बिफोर रिलीजिंग। फर्स्ट, अब इसमें चार पांच पॉइंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या जो ऑफेंस कमिट हुआ है क्या वो इंडिविजुअल क्राइम था। जैसे कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो विच इज इम्पैक्टिंग ओनली इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें इंसान एक इंडिविजुअल को ही प्रभावित हुआ है, वैसे तो ऑफकोर्स ही बात है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, बट कोर्ट इन चीजों को ध्यान में रखती है रेमिशन करते वक्त, वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ अ क्राइम विदाउट अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, जिससे सोसाइटी को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, सोसाइटी नॉट अफेक्टिंग, ये चीज ध्यान देगी। अगर सोसाइटी को इफेक्ट पड़ रहा तो ऑफकोर्स ही बात है रेमिट नहीं किया जाएगा। वेदर देर इज एनी चांस ऑफ फ्यूचर रिकरेंस ऑफ कमिटिंग द क्राइम, क्या वो दोबारा फ्यूचर में ऑफेंस करेगा। देखो ये जो प्रोविजन है ना 432 का, कहीं ना कहीं ये वेलफेयर के लिए है, और हम एक टाइम पीरियड था जब हम जी रहे थे जहां पर एक रेट्रीब्यूटिव थ्योरी अप्लाई होती थी, बट आज के टाइम में हम रिफॉर्म की बात करते हैं कि इंसान को रिफॉर्म किया जाए। माना कि देखो कोर्ट ऑफकोर्स ही बात है कोर्ट तो जस्टिस देगा, तो कोर्ट ऑल्सो कीपिंग इन द व्यू के इंसान को रिफॉर्मेशन का एक चांस दिया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जब कोर्ट ने न्याय कर लिया है, डिसीजन दे दिया है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको रेमिट कर सकती है। तो इफ देर इज एनी फ्यूचर के लिए अगर पॉसिबिलिटी है कि वो अगर दोबारा क्राइम करेगा तो नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर रेफरेंस रिकरेंस ऑफ कमिटिंग द क्राइम, अगर वो दोबारा क्राइम करेगा तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर को फायदा नहीं दिया जाएगा इन चीजों का। वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट पोटेंशियल फॉर कमिटिंग क्राइम, कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए जैसे इस पॉइंट को कहने का मतलब कोर्ट का है, वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट, जिसको सजा दी गई है, हैज लॉस्ट पोटेंशियल, लॉस्ट पोटेंशियल मतलब वो अपनी शक्ति खो चुका है। सपोज कर उसके दोनों हाथ पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, पैर कट गए, पोटेंशियल कम हो गई है उसकी, बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो कोर्ट इन चीजों को कंसीडर कर सकता है कि अब वो तो क्राइम कर ही नहीं पाएगा। वैसे भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो आई थी, एक विकलांग था, उसने देसी कट्टा निकाला, अपनी बी पता नहीं किसको प्रॉपर्टी का मामला था, शूट कर दिया। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है, तो कोर्ट उन चीजों में पर क्या नाम है सरकार उन चीजों में रेमिट कर सकती है। वेदर देर इज एनी फ्रूटफुल पर्पस ऑफ कन्फाइनिंग द कन्विक्ट एनी मोर, अगर किसी जैसे अगर कोई कन्विक्टेड है उसको जेल में रखने से कोई अगर फ्रूटफुल पर्पस फुलफिल होता है तो कोर्ट डेफिनेटली उसको रेमिट नहीं देगी। ठीक है, फ्रूटफुल पर्पस जैसे अगर उसको बाहर छोड़ देंगे तो दोबारा क्राइम बढ़ जाएगा, इतनी मुश्किल से तो उसको हमने सजा दी, जेल में गए आप दोबारा छोड़ देंगे तो क्राइम रेट उसके अंदर रहने से कम हुआ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी,
ठीक है, व्हाट इज द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। अब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी देख लेंगे उसकी फैमिली की क्या है, पता चला वही ब्रेड अर्नर है, बाकी तो फैमिली उसके अंदर रहने की वजह से पूरी सफर कर रही है। तो ये सारे जो व्यूज है कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ दी एक्यूज के या कन्विक्टेड के फेवर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। देन द कोर्ट हैज टू सी के क्या वो रेमिशन जो है वो रीजनेबल ग्राउंड पे भी हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो रीजनेबल ग्राउंड पे नहीं है देन ऑफ कोर्स इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली भी देख ली जाएगी। अब अगर सपोज कीजिए एविडेंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल नहीं है, आर्बिट्ररी है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो गलत तरीके से यूज की गई है, दैट कैन बी जुडिशियल रिव्यूड एंड इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो मुझे पता है सारे केस आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन केस ना याद रख पाओ ना फिर भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि क्या सरकार के इस पावर को जो कि 432 में दी है कैन इट बी जुडिशियली रिव्यूड। तो दैट डेफिनेटली इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और एक केस में तो कोर्ट ने ये भी कहा है मारू राम, ये तो आपने सुना ही होगा केस, हमने करा भी है, मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। तो मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस में कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा एंड पार्टी फेवरेटिज्म कैन नॉट बी इंटरलॉप, पूरा लिख लेते हैं इसको, इंटरलोपर्स इन दिस एरिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैलाफाइड नहीं होना चाहिए सरकार के, भाई हाँ जितने भी क्रिमिनल थे उन सबको रेमिट कर दो अगर हमारी सरकार आ गई तो। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मुख्तार अंसारी की बातें सुनी होगी आपने, ठीक है, तो कितना बड़ा कुख्यात अपराधी था, बिल्कुल खुलकर जी रहा था वो, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का उनको वह श्रेय था। और अब जैसे योगी सरकार आई है तो योगी सरकार ने क्या किया, देखो बुलाया उसको वहां पर, आइए यूपी में, स्वागत है बाप का, है ना। तो जबकि योगी सरकार, योगी तक पे उसने हमले करवाए हुए, अब उल्टा है ना, पहिया उल्टा घूम रहा है ना, रिसाइकल है। हमने ये भी देखा था अमित शाह जी ने पी चिदम्बरम जी का क्या हाल किया और पी चिदम्बरम जी ने उसका क्या हाल किया था, तो दोनों एक साइकिल है वो घूमता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो पार्टी ऐसा भी नहीं कर सकती और जो सरकार है वो इनमें डिस्क्रिमिनेशन भी ना करे, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस थे, अब बहुत सारे केसेस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 पढ़ा है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एससी एंड एसटी स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉस। सो अगर इन चीजों में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ रेमिशन, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी को हमने जिसको पनिश किया गया था उस एक्ट के अंदर एससी एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट उसको यहाँ पर फायदा दे दे और रेमिट कर दे, भाई दैट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड। सरकार का ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि जो लोग एस सी एन एस टी के तहत में पनिश किए गए हैं या उनको इस एक्ट के तहत एस सी एस टी को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए वो रेमिट कर रही है उन क्रिमिनल्स को, दैट विल नॉट बी अ रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, तो चीजें रीजनेबल ही होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं 433 की तरफ। ओके 433 ना, 433 क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है 433, कम्यूट करना, कम करना, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। नाउ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नाउ अगेन द वर्ड इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस,
अब यहाँ पर एक बहुत बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 433 में भी सजा कम कर सकती है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है तो इसलिए जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है उनकी सजा को कम कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट द कंसेंट। यहाँ एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर यू कैन से, या कन्विक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिसको सजा दी गई है उसकी कंसेंट नहीं ली जाएगी। अब क्या क्या कर सकती है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपका, ए में डेथ सेंटेंस को क्या कर सकती है फॉर एनी अदर पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस को किसी और पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकती है प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी। अब आईपीसी के भी प्रोविजन को ध्यान रखना पड़ेगा। बी क्या कहता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन फॉर लाइफ, जहां पे उसको लाइफ मिली है एक्यूज्ड को, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजन ऑफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 इयर्स और अ फाइन, 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सी, अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब यहां पे नेचर चेंज कर रही है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को क्या कर रही है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर फाइन और फॉर फाइन, ठीक है, रिग्रेस का नेचर चेंज कर दिया सिंपल में। डी, अ सेंटेंस ऑफ सिंपल टू फाइन, जहां सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी है वहां हम कन्वर्ट कर देंगे फाइन में, तो इट कैन बी डन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक तो 55A है आईपीसी का, ठीक है, वहां से अंडरस्टूड होता है, और इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, नॉट एक्सप्लेनेशन, सबसेक्शन 7 और 432। अब आगे चलते हैं, बट इसमें एक चीज ध्यान देखना, आपके बैरेट में भी लिखा है कि इवन द वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी, इसको चैलेंज किया गया था सेक्शन 433 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही कहा। हाउएवर कोर्ट ने ये भी कहा है दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट रिड्यूस और कम्यूट सेंटेंस टू लेस देन 14 इयर्स फॉर वेइंग रीजन एज द क्राइम वो सीरियस, अगर सीरियस क्राइम है ना तो सीरियस क्राइम में ऐसा नहीं कर सकते वो डेथ को क्या कर दे, डेथ को 14 साल से कम कर दे, इट कैन नॉट बी डन, 14 साल तो कम से कम रहेगा ही। और इसीलिए हमने एक अमेंडमेंट किया 1978 में 433A, ठीक है, 433A एक अमेंडमेंट किया 1978 में, जिसमें साफ ये क्लियर हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप रेमिशन और कम्यूटेशन को इतना कम ना करें। वो क्या कहती है, Notwithstanding anything contained in 432 में चाहे जो भी लिखा हो, यानी ये 433 इसका मतलब क्या है, Notwithstanding ये non absentia clause है, यानी चाहे कुछ भी पूरा court कुछ भी कहता रहे ये act apply होगा, ये particular section apply होगा, not act, ये section apply होगा, override करेगा। तो 432 में जो मर्जी लिख दिया है आपने, where a sentence of imprisonment for life is imposed, जहाँ पे अगर आपने life impose करी है, is imposed on the conviction of person for an offence for which death is one of the punishment, यानी जहाँ पे death थी आपने life impose करी है, provided by law, or where the sentence of death imposed on a person has been commuted to 433, यानी आप यहाँ पे थी death, आपने उसको कम कर कर क्या लिया है life में convert कर दी हो, such person shall not be released from the prison unless he has served at least 14 years of imprisonment, kam se kam wo 14 saal to jail mein rahe, then only he can be given a benefit of the 432 or 433, theek hai, yahan do cheeze hain ye dhyan rakhna, jab kanoon mein kya likhi hai, kanoon mein likhi hui thi death aur aapne di life, theek hai, और वेयर सेंटेंस ऑफ अ डेथ इम्पोज ऑन द पर्सन, और या फिर ये वाली जो बात है कम्यूटेशन की बात कर रहा है कि आपने कम कर दी, डेथ थी डेथ से आपने उसको प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए लाइफ कर दी, या प्रोविजन में लॉ में दे रखी थी डेथ आपने लाइफ ही दी, ठीक है,
उस सिचुएशन में 14 साल तो वो कम से कम जेल में रहेगा। नाउ विल प्रोसीड फर्दर 434। सर तो ये 432 और 433 में फिर फर्क मतलब डिफरेंस क्या है? रेमिट जो होता है ना, कम्यूट सजा को कम करना है। रेमिट चाहे तो पूरी भी हो सकती है और पार्ट भी हो सकती है। रेमिशन जो होगी वो कंडीशनल होगी। कम्यूट में जो है वो किसी से पूछती नहीं है सरकार। सरकार को लगता है लोग सुधर रहे हैं तो भैया उनकी सजा कम कर देती है विदाउट दी कंसेंट, ठीक है। रेमिट में तो उससे पूछा जाएगा ना कि डू यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, विल यू कोऑपरेट विद अस, ठीक है। ये बहुत बड़ा फर्क है। 434 कॉन्करेंट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द डेथ सेंटेंस। कॉन्करेंट पावर, समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? हर्षना। हाँ सर, शायद सर 432 में ये है कि मतलब पूरी तरह से उसको एब्सॉर्ब कर दिया गया है, तो यहाँ पे 433 में कम्यूट कर रहे हैं, मतलब नेचर चेंज कर रहे हैं उसको। नेचर से देखो, नेचर तो सेकेंडरी चीज है ही, लेकिन दोनों में इतना बड़ा फर्क है ना। वहां तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ तो उससे पूछ ही नहीं रहे ना। ये तो मेजर डिफरेंस ये हो गया। यही मेजर डिफरेंस, अदरवाइज सजा कम हो ही रही है। कॉम्यूट हो रही है तो कम हो रही है, रेमिशन में भी कम ही होती है और तो पूरी इसका जो भी। फर्स्ट वाला है ए जो है सेंटेंस ऑफ डेथ जो है उसको एनी अदर पनिशमेंट मतलब कि उसको कोई भी नीचे जो सी में जो रिग्रेस है या फिर कोई भी टर्म के लिए कर सकते हैं। लेकिन 14 साल से कम नहीं करेंगे, ठीक है। डेथ को इतना रेमिट नहीं, इतना कॉम्यूट नहीं कर सकते कि 14 से कम कर दे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी केस है। जो मैंने भी लिखा था ना, वो आपके बैरेट में भी लिखा है वो केस। केस का नाम आप लिख लीजिए, ये है ना, सिद्धा गौतम नीलगप्पा, ये पूरा केस लिख लीजिए आप, ठीक है। वैसे मैं लिख भी देता हूँ औरों के लिए भी। सिद्धा गौदा, एक तो नाम इतना डिफिकल्ट है, नीलगप्पा गंधाकर, सीरियस ऑफेंस में ये डेथ को कन्वर्ट ना कर दे 14 से भी कम। ऐसा हो जाता था पहले तो मना कर दिया गया स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, 1981 का केस है। इसका क्रक्स क्या है? डेथ को 14 साल से कम ना कर दे कम्यूटेशन में, ठीक है, 433 में। चलो आगे चलते हैं। 434 कॉन्करेंट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कॉन्करेंट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द डेथ सेंटेंस। तो ये कहता है कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल पावर। द पावर कन्फर्ड बाय 432 और 433 में जो पावर हमने किसको दे रखी है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट मे इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ आल्सो बी एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पावर हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे रखी है, डिपेंडिंग अपॉन द केस, स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दोनों में से कोई एक कर सकता है, कॉन्करेंट पावर। 435 स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर 435 में क्या लिखा है? स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, से पूछ के ही करना पड़ेगा। कौन से सिचुएशन में? वो सर्टेन केसेस कौन से हैं? ए, जहां पर जब, और ये तो ध्यान रखना, देखो ये कई बार पेपर में, वैसे दिल्ली के ही पेपर में आया अभी तक, तो अगर इन्वेस्टिगेशन किसी केस को किया है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है 1946 के तहत, उसके अंदर जो कोई इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है इस एक्ट के तहत, जो टीम बनाई गई होगी उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, और बाय एनी अदर एजेंसी एम्पावर्ड बाय द मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अंडर एनी सेंट्रल एक्ट। अब कोई और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, कौन कौन सी होती है? जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हो। अब एक बार बताओ, सीआईडी जो है, सीबीआई जो है, वो किसकी है? वो क्या केजरीवाल सरकार की है? क्या आदित्य ना, वो क्या नाम है, योगी की है? ये तो केंद्र सरकार की है ना। तो जो भी सेंट्रल के द्वारा
कोई एजेंसी हो जिसने इन्वेस्टिगेशन करा हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये रेमिशन वगैरह, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। नाउ बी क्या कहता है, विच इन्वॉल्व द मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, मिस अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सरकारी संपत्ति को हमने नुकसान पहुंचाया जो कि केंद्र सरकार की थी, ठीक है, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट का रोल थोड़ा कम हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। सी क्या कहता है, विच वॉज कमिटेड बाय, कोई अगर ऑफेंस जो किसने किया है, कमिटेड बाय पर्सन इन द सर्विस, एक ऐसे इंसान ने ऑफेंस किया है जो कि कौन है, सर्विस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन वो इंसान, ये ध्यान रखना, जब वो इंसान एक्टिंग और प्रिपेयरिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी यानी जब वो एक सरकारी पद पर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इम्प्लॉय है, देन इफ इज डूइंग एनी ऑफेंस, देन आपको स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वाइल रेमिशन और कम्यूटेशन के मामले में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सिंपल सा था। अब इसका टू देख लेते हैं, टू भी बहुत सिंपल है। टू में क्या लिखा है, नो ऑर्डर ऑफ द सस्पेंशन, किसी भी तरीके का ये ऑर्डर पास नहीं होगा, ना ही सस्पेंशन होगा, ना ही रेमिशन होगा, ना ही कम्यूटेशन, जो हमने 432 और 433 में पढ़ा है अभी। पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कब नहीं करेगी, इन रिलेशन टू पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस सम ऑफ व्हिच रिलेट टू द मैटर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। जहां तक यूनियन की पावर जो एक्सटेंड करती है, यूनियन की पावर एक्सटेंड कर रही है, तो ऑफ कोर्स ही बात है किसका लॉ प्रिवेल होगा, रूल रेगुलेशन जो है यूनियन थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, जहां पे अगर यूनियन के बनाए हुए द्वारा लॉ प्रिवेल एक्सटेंड कर रहे हैं। एंड हु हैज बीन सेंटेंस टू सेपरेट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच आर टू रन कंकरेंटली, और अगर जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने पनिशमेंट दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने पनिशमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा पनिश किया गया, और वो कॉन्करेंटली चलेगा, जब कॉन्करेंटली चलेगा तो यानी पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल चल रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक रूल पढ़ा था प्री डोमिनेंस, जहाँ पे केंद्र सरकार जो है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा प्रभावशाली रहती है। शैल हैव इफेक्ट अनलेस एन ऑर्डर फॉर दी सस्पेंशन रेमिशन कमीशन एज द केस मे बी ऑफ सच सेंटेंस हैज ऑल्सो बीन मेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई सेंटेंस पास करी है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेंटेंस पास करी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा। इन रिलेशन टू द ऑफेंस कमिटेड बाय सच पर्सन विद रिगार्ड टू द मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। तो आप इसमें यही लिख सकते हैं, जनरली कई बार क्या होता है, अपने यहाँ पे ना मार्जिनल एक साइड में ना साइड नोट्स लिख ले करो, ताकि पूरा बैरक का सेक्शन ना पढ़ना पड़े आपको, यहाँ लिख लीजिए, जनरली सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे। एक और चीज बस आउट ऑफ दी कंटेक्स जाके एक बात और बता देते हैं, एक केस है क्या, जो जेल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो प्रिजनर है, क्या प्रिजनर को कुछ पैसा मिलता है उसको जो काम करना है अंदर, यस सर, लेबर को पे मिलती है? तो यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि जो प्रिजनर है आर टू बी पेड देयर लेबर, उनको लेबर देनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर डूइंग अ वर्क, जब वो काम कर रहे हैं ना, तो काम फ्री में तो लिया नहीं जाएगा, माना कि ऑफ कोर्स ही बात है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में उन्हें काम करना ही पड़ता है, बट वेन एवर दे डूइंग एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम द क्लीनिंग वगैरह, जैसे कुछ जिसको जो काम आता है उसको को काम जब दे दिया जाता है तो उसको पेमेंट भी होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रामा मूर्ति के केस में कहा था, ठीक है, रामा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका,
इसका ईयर कौन सा है, ये है 1997। और भी बाद में भी कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही हिंदी बात के जो केसेस है मेजोरिटी से, कहा दैट इट इज नॉट ओनली द लीगल राइट ऑफ द वर्कमैन टू हैव वेजेस फॉर द वर्क, इट इज अ सोशल इम्पेरेटिव एंड एथिकल कंपल्जन। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का ये कंपल्जन भी एथिकल कंपल्जन है, दैट ही हैज टू पे दी लेबर टू दी प्रिजनर, प्रिजनर को भी पेमेंट करे जो भी उससे काम लेती है। ओके तो ये हमारा चलो टॉपिक हो गया 432 से लेकर 435 तक। इमीडिएटली विल प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग टाइम। 436 से हमारा तो हमने बेल ऑलरेडी कर ही लिया था। अब बेल के बाद आती है, जब बेल मिलती है तो क्या बॉन्ड भरवाई जाए या ना भरवाई जाए, बॉन्ड अगर भरवा रहे हैं तो क्या श्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, वो टॉपिक हम कर लेते हैं ठीक है। तो विल बी डूइंग 440 से। वैसे तो बड़े सिंपल से हैं, अगर आप एक बार इसको प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान में रख लेते हैं। 440 से लेकर 450 तक है, इसमें हम बात कर लेंगे। एक तो बॉन्ड की बात कर लेंगे, श्योरिटीज की बात करेंगे, श्योरिटीज कौन हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, शॉर्ट में ही समझ में आ जाएगा आपको। कुछ बेसिक बातें हैं पहले वो कर लेते हैं, बैरेक तो फिर पढ़ ही लेंगे, क्योंकि अगर बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी तो बैरेक तो इतना डिफिकल्ट रहेगा नहीं। आप लोग बताइए कौन कौन हो सकता है जमानती। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पर्सनल बॉन्ड क्या होता है, श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, कौन सा फॉर्म नंबर भरा जाता है। हाँ जी, तो जब पर्सनल बेल पे बॉन्ड किसी में तो मतलब अंडरटेकिंग की जब भी बोलेंगे प्रेजेंट हो जाएंगे, जिस भी चीज के लिए मतलब बॉन्ड दिया जा रहा है, सपोज अपीयरेंस के लिए दिया जा रहा है इन नेक्स्ट डेट, तो पर्सनल बॉन्ड हो गया कब भरवाएंगे पर्सनल बॉन्ड, जब उसे अरेस्ट करके लेकर के आएंगे अगर, उससे तो कहने पे, या उसे जब पे हम बिलीव कर लें कि भाई हाँ वापिस आ ही जाएगा, जो क्राइम कर रहा है उसकी बात पे बिलीव किया जा सकता है। बताइए तो मतलब पर्सनल बॉन्ड सपोज कब भरवाया जाएगा। जैसे डेट्स लगी है लेकिन रेगुलरली आ रहा है लेकिन किसी एक डेट में नहीं आया, तो बजाय रेस्ट करने के पर्सनल बॉन्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कि वो रेगुलरली अटेंड कर रहा था। ओके चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही पूछ लेता हूँ, आप मुझे आंसर देना। एक इंसान है जो रहता तो सपोज करो दिल्ली में है, उसने क्राइम कर दिया एमपी में, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी दिल्ली में है ठीक है, उसने एमपी में क्राइम करा है, तो जहां पे ऑफेंस हुआ वहीं की कोर्ट तो ट्रायल चलाएगी ठीक है। तो सपोज करो एमपी की कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो बॉन्ड दिल्ली की कोर्ट दे सकती है। द आंसर वुड बी नो, पहले तो एमपी की कोर्ट में ही जाएगा वो। और क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एमपी की जब कोर्ट में जहाँ पे इसको बॉन्ड पे करना है, अब यहाँ पर इसके लिए जो दिल्ली का इंसान है, क्या उसको एमपी में श्योरिटी अरेंज करना आसान है, क्या नो कर सर, पाएगा। इसको तो एक केस भी आया था कि शॉर्टी तो कहीं का पड़ता है, बड़ा लेकिन इम्पोर्टेंट शॉर्टी केस उसी जगह का उसी। आपको बोलना भी नहीं चाहिए था, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, उसका नाम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन फॉरगेट द नेम ऑफ दैट केस। मोतीलाल, हाँ जी, मोतीलाल मोतीलाल, मोतीराम मोतीलाल राम है, मोतीराम। अरे मोतीराम मोतीराम साइटेशन ही चेंज हो गई, तो मोतीराम केस में भी ये कंट्रोवर्सी डिस्कस हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू अरेंज अ श्योरिटी इन द स्टेट ऑफ एमपी ठीक है। तो अब उससे क्या कर सकते हैं, जो भाई ऑफ कोर्स ये बात है, एक चीज तो क्लियर कर ही दिए कोर्ट ने मोतीराम के केस में ही कि श्योरिटी जो है भैया कहाँ का भी हो, प्रॉपर्टी कहीं की भी हो सकती है, क्योंकि उस मामले में क्या हुआ था मोतीराम के केस में, जिस इंसान ने जब क्राइम किया उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना सारी उस स्टेट में थी ही नहीं, और कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई हम दूसरे स्टेट की श्योरिटी या दूसरे स्टेट की जो प्रॉपर्टी को हम कैसे कंसीडर कर लें, और इसमें 10,000 रुपए का मुचलका भरवाया था जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था एक ऑर्डनरी लेबर से।
10,000 रुपये उस टाइम में लेना इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये अमाउंट है ना दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव, नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सेसिव। और इसकी जो संपत्ति है माना किसी और स्टेट में है तो उस संपत्ति को भी हम एज अ सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, ठीक है, श्योरिटी वो भी रखवा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी किसी और स्टेट में हो तो चल जाएगा। तो अगर वैसे एक बेसिक बात और समझ लेना यहाँ पर, अगर उसके पास ना कोई संपत्ति है, बॉन्ड नहीं पे कर पा रहा है और हीनियस ऑफेंस बहुत बड़ा नहीं है और उसको छोड़ा जा रहा है बेल पे, तो उससे जब हम बॉन्ड भरवाएंगे तो जो बॉन्ड है ना उससे पर्सनल बॉन्ड मांग लेते हैं इस सिचुएशन में, कि वो एमपी में है भैया, अब क्या करेगा, ऐसा तो इंसान नहीं है, बेल भी दी जा रही है, तो उससे पर्सनल बॉन्ड भरवा लेते हैं। तो पर्सनल बॉन्ड कब भरवाए जाएंगे, जब उसके पास कुछ और चीजें, बहुत गंभीर अपराध भी नहीं है, ही कैन अपियर, तो कोर्ट कंसीडर करेगा, तब देखेगा कि हाँ इस पे श्योरिटी भी नहीं है क्योंकि तो ये किसी और स्टेट में, अब दिल्ली में मुझे, अगर मेरे को ही खुद पे ऑफेंस हो जाए, मुझसे अगर एमपी में हो जाए, केरला में हो जाए, मैं वहां किसको श्योरिटी ढूंढूंगा। तो मेरे को पर्सनल बॉन्ड, मेरे एंटीसीडेंट्स को देखते हुए सारा मेरे से पर्सनल बॉन्ड भरवा लेगी कोर्ट, तो मेरी ही खुद की ही पर्सनल बॉन्ड पे मुझे छोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा व्हेन एवर यू विल बी आस्क्ड यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट, तो ठीक है। सर बट मुझे कई पैसे बार क्या होता भरने है, चाहिए पर्सनल बॉन्ड में भी, पर्सनल हाँ जी, बॉन्ड में भी पैसे वगैरह भरे जाएंगे अरे पहले मेरे को खुद? आप बताओ, आप लोग कोर्ट गए हैं तो आपने अगर बॉन्ड वगैरह किसी की भरी है एज एन एडवोकेट, आई मीन वो जो आपका प्रोसेस है एज एन एडवोकेट आपने फिल करवाया है, तो आपने कभी कैश जमा कराया कोर्ट में? तो पर्सनल बॉन्ड में तो नहीं भरे जाते। तो पर्सनल बॉन्ड में नहीं भरे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा कैश पे करते हैं क्या, श्योरिटी कैश पे करता है? सपोज कोर्ट ने कहा कि भाई 50,000 रुपये के मुचलके पे छोड़ रहे हैं आपको, बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं, तो 50,000 रुपये कैश देंगे आप? सर कुछ जैसे व्हीकल वगैरह भी हो ना उस पर लग जाते मेरा हैं। क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या आप कैश जमा करते हैं कोर्ट में? नहीं आप किसी भी हालत में कैश जमा नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, लोगों को उस कंफ्यूजन केस रहता है। में होता है कि अगर अपियर नहीं हुए तब का एक्शन लेने का टाइम होता है वो, मतलब इन द बिगनिंग तो कैश वगैरह सबमिट नहीं होता उसकी डिपॉजिट। जितना 50,000 रुपए की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी रखेंगे, अब प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं पूरा जमीन का कब्जा दे दूंगा, कब्जा नहीं देना मेरे को, इट कैन बी मूवेबल इमूवेबल, मेरे को क्या देना, उसके प्रॉपर्टी के पेपर देने मुझे। जनरली सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली तो कोर्ट जो ज्यादातर कंसिडर करते हैं, लोग भी एफडी मांग लेते हैं, एफडी। अब कार है आपके पास, कार जब्त नहीं हो रही, ठीक है, कार की आरसी, उस पर स्टैंप लग जाएगी, और मतलब ये प्रॉपर्टी है ना, कार बेच देंगे। अगर आपने जो बॉन्ड पे किया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो आपकी वो कार बेच देगी कोर्ट, ऑक्शन करवा देगी, ठीक है। इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन वट एवर यू हैव बीन, जो भी आपने बॉन्ड भरवाया है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। और बाकी इस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लेते रहेंगे साथ साथ। और जनरली कितनी श्योरिटीज, कितने लोग होने चाहिए श्योरिटी में? एक तो देखो पर्सनल बॉन्ड हो गया, पर्सनल बॉन्ड के मैं खुद ही दे रहा हूँ, कोर्ट ऐसा कर सकते हैं भाई तुम्हारी बात पे बिलीव करती है, ठीक है, यू आर अ गुड पर्सन, यू विल कम बिफोर द कोर्ट व्हेन एवर विल यू आस्क टू कम बिफोर द कोर्ट, तो पर्सनल बॉन्ड। नहीं तो जिस इंसान को बेल पे छोड़ा गया है उससे कहेंगे भाई अपनी श्योरिटी ले आओ। श्योरिटीज कौन होता है, कौन है श्योरिटी, ह्यूमन बीइंग है या आर्टिफिशियल पर्सन है? ह्यूमन बीइंग जमानती कह सकता हूं क्या मैं इसको? यस इसको श्योर। जमानती ही बोलते हैं। कितने जमानती लाने पड़ेंगे? कितने भी हो सकते हैं, जनरली एक जनरली एक होता ही है, एक तो होगा ही, दो भी हो सकते हैं, वैसे मैक्सिमम केसेस में एक ही होता है। देखो कई सारे क्वेश्चन आज आपके इतने क्लियर हो जाएंगे, तो जमानती एक होगा। अच्छा जमानती गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए क्या? नो अक्सर सर भी इस हो भ्रम सकता में है। रहते हैं, नहीं अक्सर लोगों का भ्रम होता है कि गौ सरकारी आदमी चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या वो आपका फादर हो सकते हैं या यस आपकी मदर हो सकती है, सन हो कैन बी सकता है, यस डॉक्टर हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं क्या, यस सर आपके फ्रेंड हो सकते हैं?
बेसिकली वो शॉर्ट ही रहता है कि पर्सन नेगेटिव पर अपीयर हो जाएगा, तो अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट ही दी होगी वो चीज जब्त हो जाएगी, तो मतलब ये सब हो ही सकता है क्योंकि इन सब का एडवर्स इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना। तो आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर, सन, डॉटर, रिलेटिव, नेबर, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं कि ये जो ए है, जो एक्यूज्ड है, जिसको बेल दी जा रही है, जिसको छोड़ा जा रहा है, इसको कोर्ट में लाने की जिम्मेवारी इन सब की है, जो भी जमानती होगा इसकी है। तो अगर सपोज कीजिए श्योरिटी किसी कारणवश इसको नहीं ले पाया, तो श्योरिटी से भी हम श्योरिटी बॉन्ड भरवाते हैं, श्योरिटी भी बॉन्ड बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भी जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। भाई तुमने गारंटी दी ना, तुम्हारे कहने पे हमने छोड़ा, अब तुमने जो श्योरिटी दी होगी इनकी भी वही FD, RC की कॉपी, ये सारी चीजें, ये भी फॉरफिट हो जाएगा अगर ये नहीं ला पाया। अब कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होंगे, कितनी वैल्यू ये कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, कोर्ट विल डिसाइड के कितने अमाउंट की श्योरिटी की वैल्यू की चीज रखवाई जाएगी, द कोर्ट विल डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। ठीक है, अब इसमें FD, RC, कार, स्कूटर जो भी है उनकी रखवाई जा सकती है, बॉन्ड भी होते हैं कई सारे, आपने देखे होंगे बॉन्ड में क्या क्या आते हैं, जैसे कई बार होते हैं किसान विकास पत्र, सुना होगा आपने, सुना है, और वो भी होता है एक पोस्ट ऑफिस के अंदर जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो भी तो एसेट ही है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखवा दिया आपने, तो जिससे कम से कम ये श्योरिटी मिल जाए कि भाई ये इंसान जो जमानत दे रहा है किसी अक्यूज्ड की, उसके पास भी कोई संपत्ति है, उसने रखवाई है, अगर वो नहीं आएगा तो वो भी जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात और बताइए, सपोज कीजिए, बड़े मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप यहाँ से, सपोज कीजिए एक फैमिली है, इस फैमिली ने ऑफेंस किया है और इस फैमिली ने इसको बेल पे छोड़ा जा रहा है, फैमिली के कई लोग हैं, सपोज करो 3-4 लोग हैं, इनको बेल पे छोड़ा जा रहा है, अब इनसे कहा जा रहा है बॉन्ड भरिए और विद श्योरिटी भरिए, तो ये 3-4 लोग जो हैं फैमिली के, इनको कितने लोगों को एज ए श्योरिटी लाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन दे हैव टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट टू गेट इट एग्जीक्यूट द बॉन्ड विद श्योरिटी, कितने नंबर, कितने लोग चाहिए होंगे, हर एक को एक एक लगाना पड़ेगा, मिनिमम एक ही ले लेगा। हाँ जी, तो फैमिली है तो एक चाहिए होंगे, चार चाहिए होंगे, हर एक का इंडिविजुअल का एक चाहिए होगा, सर एक ही चाहिएगा ना फैमिली, तो पूरी फैमिली है, क्योंकि तो ऐसा हो सकता है भैया एक आदमी ही काफी है श्योरिटी देने के लिए, और लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट द कोर्ट विल डिसाइड, बट जनरली फैमिली है तो भाई फैमिली के लोग नहीं भागेंगे, तो इसलिए एक इंसान की श्योरिटी काफी हो सकती है। अब श्योरिटी ऐसे इंसान की ना हो जो पहली भगौड़ा हो, ठीक है, जिसपे कोर्ट ही विश्वास नहीं कर पाएगी, तो फिर वो उसमें कैंसिल भी हो जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें और भी चीजें हैं जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, तो कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, एक श्योरिटी काफी रहती है, वैसे फैमिली के मामले में जनरली एक चल जाती है, कोर्ट दो से भी करवा सकता है, तो कोर्ट विल डिसाइड। अब कई बार ऐसा होता है, आपने जिसकी जमानत दी है, आपने जिसकी जमानत दी है, क्या उस श्योरिटी अपनी वापिस ले सकता है, वो श्योरिटी जिसने जमानत दी है क्या वो वापस ले सकता है, ये से वो डिस्चार्ज कर सकता है ना अपने आप को? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, देखो बैरेक्ट तो हम पढ़ ही लेंगे, वो तो आसान हो जाएगा बैरेक्ट आपके लिए, इसको अब श्योरिटी को क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सर ये सेम है क्या सिविल और सिविल और क्रिमिनल में, वहां पर भी वो एप्लीकेशन लगा के अपने आप को खुद को डिस्चार्ज कर लेता है, तो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। अच्छा, डिस्चार्ज क्या, भाई मैं नहीं दे रहा जमानत, मैं वापिस ले रहा हूँ, मैंने, मेरे को पहले भरोसा था इस इंसान पे, भरोसा नहीं है,
अब ये जब भाग जाएगा तो मेरे को भी तो पकड़ लेगी पुलिस, कहाँ है वो इंसान जिसकी आपने श्योरिटी दी थी। तो इसलिए वो कैंसिल भी कर सकता है, एप्लीकेशन लगाएगा, नोटिस देगा, ठीक है। नोटिस किस किस को देगा, उस पार्टी को भी देगा, अरेस्ट जिस इंसान को जिसकी वो विड्रॉ कर रहा है यानी एक्यूज को नोटिस देगा, ठीक है। इसमें कई चीजें भी हो सकती हैं, जो अरेस्टी है अब इसको नोटिस दे जाएगा, या वो कोर्ट में एप्लीकेशन इस चीज के लगा सकता है, भाई इस इंसान का मुझे डाउट है भाग जाएगा तो इसको अरेस्ट कर लीजिए जल्दी से, तो फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है ये इंसान, नोटिस भी और अरेस्ट भी। नोटिस अगर हम देंगे तो ऑफकोर्स सी बात है क्या पता पकड़ में ना आए, तो ये एप्लीकेशन लगा सकता है उस इंसान को अरेस्ट कर लो क्योंकि मुझे अंदेशा है वो भाग जाएगा और फिर मेरे को फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद डायरेक्शन दे सकता है अरेस्ट कर लिया जाए। श्योरिटी चेंज भी हो सकता है, ये तो विड्रॉ हो गया ना, श्योरिटी में अपनी वापस ले रहा हूँ जमानत, श्योरिटी चेंज भी हो सकता है। वो कैसे होगा, अब जो इंसान है जिसने श्योरिटी दी थी वो चाहता है कि भाई मैं श्योरिटी ना रहूं, तो अगेन नोटिस जाएगा, तो जो श्योरिटी है वो कोर्ट में आएगा। एक है ओल्ड श्योरिटी, तो जो इंसान है जो एक्यूज है जिसको छोड़ा गया है बॉन्ड पे, उसको अरेंज करना पड़ेगा अपना क्या न्यू श्योरिटी, तो ओल्ड वाला हट जाएगा, नया वाला प्लेस हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्म नंबर कौन सा है, फॉर्म नंबर बेल बॉन्ड श्योरिटी कौन सा फॉर्म नंबर है, जल्दी बताइए, पढ़ा है तो फॉर्म नंबर 45, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, एक तो देखो उसमें पहले लिखा है कि कौन बॉन्ड भर रहा है, कौन एक्यूज है, उसके नाम डिटेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्योरिटी की भी डिटेल होती है और श्योरिटी का एफिडेविट भी लगेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 45 देख लेना, आज पढ़ लेना एक बार, प्लेन रीडिंग कर लेना। तो ये सारी हमारी जो कहानी है ये है बेल के दौरान, जब इंसान को छोड़ा जा रहा है या बॉन्ड उससे भरवाई जा रही है, पर्सनल बॉन्ड हो सकता है, एंड जब श्योरिटी जमानत अगर वो देते हैं लोग तो उनके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको कैसे भरवाएंगे हम, वो फॉर्म नंबर 45 में उसका साइन वगैरह भी करने पड़ेंगे, एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ लेंगे 440 से लेकर 450 तक, ये क्लियर है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, बैरेक पढ़ना सेक्शन 440। 440 कहता है अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एंड द रिडक्शन देयर ऑफ, अमाउंट ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का कितना अमाउंट होगा, और अगर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट रख दिया है तो रिड्यूस करिए, कोर्ट ने बहुत ज्यादा कर दिया तो रिड्यूस, रिड्यूस की जैसी बात आएगी तो मोतीराम की भी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ कहता था अमाउंट ऑफ द एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद द ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो अमाउंट है कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जो फिक्स करेगी, उसमें कई चीजों को ध्यान में रखेगी, केस को ध्यान में रखेगी, केस किस परिस्थितियों में हुआ, सर्कमस्टेंसेस, एंड और क्या चीज ध्यान रखेगी कि जो भी अमाउंट है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सेसिव, नॉट मोतीराम, ठीक है। टू क्या कहता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट द बेल रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर द मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस। देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, बेल जो है वो कोई भी दे सकता है, या तो पुलिस दे रही है या मजिस्ट्रेट दे रही है, तो पुलिस भी बॉन्ड भरवा लेती है, ठीक है, या मजिस्ट्रेट, तो जो भी अमाउंट अगर डिसाइड हुआ है वो उसको कम भी किया जा सकता है, रिड्यूस, उसके लिए आया तो हाई कोर्ट चले जाइए, कोर्ट ऑफ सेशन खत्म। 441 सेक्शन 441 बॉन्ड ऑफ एक्यूज इन द श्योरिटीज, बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब क्या हो गया, कैसा बॉन्ड हो गया, ये पर्सनल बॉन्ड हो गया ना, और श्योरिटीज, श्योरिटीज से भी बॉन्ड, मैंने आपको क्या कहा था, श्योरिटीज भी बॉन्ड बढ़ता है और इसके साथ अपना एफिडेविट भी लगाएगा,
ठीक है, एफिडेविट में सारी कंडीशन लिखता है वो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा काम क्या है। तो बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज ऑन अ बेल और रिलीज ऑन इज ऑन बॉन्ड, जब इंसान को बेल पे छोड़ा जा रहा है उससे पहले, या और रिलीज ऑन इज ऑन बॉन्ड जब वो अपने ही बॉन्ड पे छोड़ा जाता है, फॉर द सच सम ऑफ मनी एज अ पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट डिसाइड, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट डिसाइड करेगा कितने अमाउंट के बॉन्ड पे उसको छोड़ा जाएगा, एज द केस मे बी थिंग सफिशिएंट, जो भी उचित हो, एक्सेसिव नहीं होगा, ठीक है। शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, इसको एग्जीक्यूट करना ही होगा, शैल वर्ड यूज हुआ है। एंड व्हेन इज रिलीज ऑन अ बेल बाय वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटी, जब उसको बेल पे छोड़ा जा रहा है, दैट ऑफ कोर्स ही बात है, द अक्यूज पर्सन जिसको हम छोड़ रहे हैं, ही हैज टू, चाहे वो एक या एक से ज्यादा, वन और मोर अंडरलाइन कर लो चाहे आप इसको, वन और मोर श्योरिटी लाएगा, सफिशियंट श्योरिटीज। अब ये श्योरिटी कौन होगा, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, देख लेगा, जो लग ऑफ कोर्स ही बात है, लाएगा तो अक्यूज, अब जिस पे कोर्ट रिलाई नहीं कर सकती तो वो श्योरिटी नहीं होगा। कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड एट ए टाइम, अब क्या कंडीशन लगाई जाएगी, कंडीशन तो वही है कि भैया रीजनेबली कंडीशन होती है कि आप जब जब कोर्ट बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा, अनटिल अदरवाइज डायरेक्ट बाय द पुलिस ऑफ द कोर्ट एज द केस में भी, सो टू अटेंड द कोर्ट व्हेन एवर यू विल बी आस्क्ड यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट। श्योरिटी, श्योरिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन हो सकता है, ठीक है, उसके पास खुद की संपत्ति भी होनी चाहिए जो कोर्ट उससे कह रही है, उसका बॉन्ड भरेगा वो। नाउ टू क्या कहता है, वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन अ बेल द बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन, जिस कंडीशन पे उसको छोड़ा जा रहा है बेल बॉन्ड में, वो कंडीशन भी लिखी जाएगी, कंटेन वो कंडीशन भी लिखी जाएगी। थर्ड, उसको ये भी कह सकते हैं भाई आप ये स्टेट छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, इफ द केस सो रिक्वायर्स द बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज ऑन अ बेल टू अपियर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें ये भी होगा कि भाई आपको हाई कोर्ट में आना पड़ेगा या कोर्ट ऑफ सेशन में आना पड़ेगा जब भी बुलाया जाएगा, या किसी और कोर्ट टू आंसर दी चार्जेस, जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसका आंसर देने, यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट। नाउ द फोर्थ इज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटी आर फिट और सफिशियंट, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस बात का निर्धारण करना कि वो जो श्योरिटी जो है क्या वो सफिशियंट है अपने आप में या नहीं है, क्या वो फिट इंसान भी है या नहीं है, ठीक है, और सफिशिएंट है या नहीं है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट, उससे क्या मांग लेगी, एफिडेविट मांग लेगी एज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट कंटेन देयर इन रिलेटिंग टू द सफिशिएंसी ऑफ द फिटनेस ऑफ द श्योरिटी और इफ द कंसीडर नेसेसरी में ईदर होल्ड एन इंक्वायरी, अगर कोर्ट को जरूरत लगता है इस बात को निर्धारित करने के लिए कि जो श्योरिटी है क्या वो जेन्युइन भी है ना, इंक्वायरी करा लेगी इटसेल्फ और कॉज एन इंक्वायरी टू बी मेड बाय द मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट एज टू सच सफिशिएंसी ऑफ द फिटनेस, चाहे वो तो खुद करेगी इंक्वायरी या अपने नीचे वाले कोर्ट को भेज देगी, सबॉर्डिनेट कोर्ट को बोल देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 440, 441, लेट्स प्रोसीड फर्दर, 441A, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 446 है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक बार देख लेंगे अभी। डिक्लेरेशन बाय द श्योरिटीज, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज क्या डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे, एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी, जो भी श्योरिटी दे रहा होगा टू एन एक्यूज पर्सन फॉर हिज रिलीज ऑन अ बेल शैल मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट एज टू द नंबर ऑफ अ पर्सन टू हुम ही हैज स्टूड श्योरिटी, उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी कितने लोगों की श्योरिटी दे चुका हूँ। क्या आप मुझे एक बात बताइए, कैसा और पॉसिबल है कि जो एक श्योरिटी है
उसने ऑलरेडी एक इंसान की श्योरिटी दे रखी है, कैन ही गिव इट अगेन? क्या वो दोबारा दे सकता है? यस सर, यस सर, डेफिनेटली कि वो सफिशिएंट है उसके पास वो श्योरिटी देने के लिए कि नहीं, वो चीज कंसीडर करेंगे। हाँ जी, तो ये दे सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास और संपत्ति हो, उसने और चीज की सफिशिएंट श्योरिटी रखवा दी हो। एक केस में उसने अपनी आरसी रखवा दी गाड़ी की, एक केस में अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखवा रहा है जब श्योरिटी है तो। ठीक है, ये एक केस में एफडी रखवा रहा है। श्योरिटी बेसिकली किसके लिए जा रही है? एश्योर करने के लिए, भैया अगर देखो वो इंसान जिसको हम छोड़ रहे हैं वो तेरी वर्क गारंटी है तो उसको कोर्ट में लाएगा, इसीलिए तो रखवा रहे हैं श्योरिटी। तो ऑफकोर्स ही बात है जिस पे विश्वास है वो, बट एक चीज है ध्यान से जो भी श्योरिटी देता है उसको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, ऐसे इंसान की श्योरिटी ना दे जिस पे उसको विश्वास ना हो। डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी, अब डिस्चार्ज बड़ा सिंपल सा है, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, जैसी श्योरिटी आ जाएगी छोड़ दीजिए भाई अक्यूज को, रिलीज कीजिए एज सून एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही बॉन्ड भर जाएगा, द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जिसके लिए हमने बॉन्ड दिया है श्योरिटी दी है, शैल बी रिलीज एंड व्हेन ही इज इन अ जेल, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वही इंसान जेल में है तो ऑफ कोर्स ही बात है द कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल, तो उसको बेल हो जाएगी, शैल इश्यू एन ऑर्डर ऑफ द रिलीज, तो जेलर को ऑर्डर मिल जाएगा इसको छोड़ने का, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल एंड सच ऑफिसर और रिसीव्ड ऑफ द ऑर्डर शैल रिलीज हिम, तो जेलर साहब छोड़ देंगे उसको फिर। नाउ 440 जिसका टू भी रह गया, टू में कुछ है नहीं वैसे, नथिंग इन दिस सेक्शन 436 436 शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन लायबल टू बी डिटेन फॉर द सम मैटर अदर देन इन रिस्पेक्ट ऑफ विद द बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड। ये कहता है सेक्शन 436 और 437 ये किसके हैं? बेल के हैं। बेल इन अ बेलेबल ऑफेंस, बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन लाइबल टू बी डिटेन, जिस इंसान को हमें किसी और कारणवश डिटेन करना है फॉर सम अदर मैटर अदर देन देन इन रिस्पेक्ट ऑफ विद द बॉन्ड वॉज एग्जीक्यूटेड, उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर किसी इंसान को हमने किसी और कारणवश, बेल के लिए नहीं किसी और, जैसे कई बार होती है किसी इंसान की हमने TIP करवानी है तो वहां पर ये बेल बॉन्ड वाला अप्लाई नहीं हो रहा है प्रोविजन। ठीक है, और TIP होना है किसी का, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू रिजेक्शन ऑफ अ बेल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी का TIP होना है, जांच पड़ताल करवानी उस इंसान की अक्यूज्ड की, इट विल नॉट बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द बेल। तो काफी इंपॉर्टेंट तो प्रोविजन वैसे है नहीं, बट फिर भी ध्यान में रखना। नाउ 443, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज सफिशिएंट, बहुत सिंपल सा है। अगर आपने जब किसी इंसान को बेल दी और उससे जो भी बॉन्ड वगैरह भरवाया गया वो पहले इनसफिशिएंट था, उचित नहीं था, उचित ना होने का कारण क्या हो सकता है? इट कैन बी मिस्टेक हो सकती है, इट कैन बी फ्रॉड किया हो, जैसे मैंने बताया श्योरिटी भी सही होनी चाहिए, श्योरिटी गलत निकला और अदरवाइज, और जिसके कारण वो या फिर वो इनसफिशिएंट अमाउंट हो या सही नहीं हो जो हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उसके बाद हम बाद में भी दोबारा उससे जो कमी रह गई थी उसको फुलफिल करवा सकते हैं। ये कहता है पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट, जो पहले ली गई थी वो इनसफिशिएंट थी तो भाई उसको दोबारा रेक्टिफाई कर लो, इफ थ्रू मिस्टेक फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटी हैव बीन एक्सेप्टेड, इनसफिशिएंट श्योरिटी को अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो चेंज करो, और इफ दे आफ्टरवर्ड बिकम इनसफिशिएंट, या श्योरिटी पहले ठीक था बाद में इनसफिशिएंट हो गया हो, द कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्यूज ने भी उसने पागल बना दिया, झूठा कोई नकली श्योरिटी बना के ले आया तो उसको फिर अरेस्ट करना पड़ेगा, द कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टिंग दैट द पर्सन रिलीज ऑन अ बेल बी ब्रॉट बिफोर इट, तो जिस इंसान को रिलीज कर दिया गया है उसको ले आइए कोर्ट में,
एंड मे ऑर्डर हिम टू फाइंड सफिशियंट श्योरिटी। तो कोर्ट ये कह सकते हैं भैया कोई और श्योरिटी लाइए, ठीक है, और एन इज फेलिंग टू डू सो इन कमिटी। अगर वो नहीं ला पाएगा न्यू श्योरिटी, नहीं ला पाया तो कहाँ जेल में जाइए। नाउ 444 डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी। सर, हाँ जी ये जो दोबारा नहीं ला पाया तो उसको जेल में डाल देंगे, तो ये बेलेबल ऑफेंस जहाँ पर 436 के अंदर जहाँ मैटर ऑफ राइट था वहां पर भी एप्लीकेबल होगा ये? श्योरिटी नहीं ला पाया कहीं पे भी मैटर ऑफ राइट है। अगर बेल पे उसको छोड़ा जा रहा है, बेलेबल में उसका राइट है, लेकिन अगर बॉन्ड तो भरवाएगा, बेलेबल में अच्छा, अगर भरवाएगा फेल हो तो गया, जेल ना। अच्छा अगर वहां पे फेल हो गया तो फिर दोबारा कमिट हो जाएगा जेल में? बिल्कुल जाएगा अगर, क्योंकि देखो बेलेबल ऑफेंस में उसका राइट तो है, लेकिन झूठ तो ना बोले ना कोर्ट से, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको हम यही तो चांस तो दे ही रहे हैं कि भैया बेलेबल ऑफेंस में अगर तेरे को विद श्योरिटी अगर दिया जा रहा है तो श्योरिटी लिया, क्या प्रॉब्लम है? अब वो श्योरिटी नहीं ला पा रहा तो उसकी डिफॉल्ट है। ओके सर, एक प्रोविजन और भी है ना, वो तो नॉन बेलेबल में भी दे रखा है, अगर कोई 7 दिन तक कोई अपना बॉन्ड वगैरह नहीं भर पाता है तो उसको इंडिजेंट मान लेते हैं, तो कोर्ट उस एंगल से देखेगी, ट्रीट करेगी। आगे चलते हैं 444, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ऑल और एनी ऑफ दी श्योरिटी फॉर अटेंडेंस एंड अपियरेंस, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ऑल और एनी ऑफ दी श्योरिटी, या तो सारे के सारे श्योरिटीज, या कोई एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, वैसे तो एक ही होगा, अगर दो तीन इतने ज्यादा तो मंगाए नहीं जाते। ऑल और एनी ऑफ द श्योरिटी फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द पर्सन रिलीज ऑन अ बेल मे एट एनी टाइम, ये डिस्चार्ज कर रहा है श्योरिटीज को। अब श्योरिटी क्या कर सकता है, या तो सारे श्योरिटी या एक उनमें से कोई एक या कोई और, दो भी हो सकते हैं। मे एट एनी टाइम अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द बॉन्ड। मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या करेंगे फॉर द डिस्चार्ज, के भैया हम बॉन्ड वॉन्ड नहीं भर रहे हैं, इधर होली और सो फॉर रिलेट टू द एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेशन लगाकर डिस्चार्ज करवा लेंगे बॉन्ड को। ऑन सच एप्लीकेशन बी मेड द मजिस्ट्रेट शैल इशू इज वारंट ऑफ अरेस्ट। अब जब ये श्योरिटी अपना डिस्चार्ज करवा रहा है तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होंगे, डायरेक्टिंग दैट द पर्सन हु रिलीज ब्रॉट बिफोर दी। ये मैं ऑलरेडी आपको अभी मैंने बता ही दिया था वैसे सिंपली, कि अगर श्योरिटी चाहे तो वो डिस्चार्ज होना चाहता है, यानी इन द केस ऑफ विड्रॉ करना चाहता है तो भैया कर सकता है, एप्लीकेशन लगाएगा मजिस्ट्रेट को कि आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यू विद इन दी एज अ श्योरिटी इन द कैपेसिटी ऑफ द श्योरिटी, एंड देयरफॉर आई एम फाइलिंग एन एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, और जब एप्लीकेशन लगेगी तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाएंगे इसके क्या नाम है जिसको छोड़ा गया था, रिलीज जिसको किया गया था एक्यूज के खिलाफ। आगे क्या होगा, और उसको कहा जाएगा जिसको छोड़ा गया था कोर्ट में लाइए। अब कोर्ट में लाएंगे तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है, इसको अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी, भैया नया श्योरिटी लिया। ऑन द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन पर्सन टू द वारंट और इज वॉलंटरली सरेंडर। अब जैसे ही इस श्योरिटी ने अपना विड्रॉल की बात की होगी तो नोटिस भी दे दिया होगा इसने किसको, अक्यूज को, कि भैया मैं तेरी जमानत वापिस ले रहा हूँ। तो जमानत वापिस जब ले रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है या तो वो खुद सरेंडर कर देगा वॉलंटरली, या वो वारंट के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट करके लाया जाएगा। तो जब लाया जाएगा तो क्या करेगा, द मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द बॉन्ड टू बी डिस्चार्ज इधर होली और सो फार रिलेट टू द एप्लीकेंट, एंड शैल कॉल अपॉन अ पर्सन टू फाइन अनदर श्योरिटी। अब जो अरेस्टी था, आई मीन जिसको कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसको छोड़ा गया था श्योरिटी के बिहाफ पे, उससे कहा जाएगा भैया अदर श्योरिटी लिया, एंड इफ यू फेल टू डू सो, अगर नहीं ला पाया तो जेल जाइए। बेसिक सा प्रोविजन आई गेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं 445, यहीं कर लेते हैं। ये है डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। ये कहता है व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, जब कभी भी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर किसी को कहते हैं कि भाई बॉन्ड भरे विद और विदाउट श्योरिटी, सच कोर्ट और ऑफिसर मे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर वाले को कंडीशन को छोड़कर परमिट हिम टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी।
तो कोर्ट किस तरीके से बॉन्ड भरवाती है, श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी के साथ, भाई क्या नाम है, सम ऑफ मनी कितने पैसे का होगा, या दूसरी चीज क्या हो सकती है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट ये भी मांग सकती है। अब जैसे कई बार ऐसे हो सकता है LIC के पेपर भी होते हैं, ठीक है, LIC भी मांग लेती है ना, टू सच सम टू सच अमाउंट एट दिस कोर्ट और दी ऑफिसर में फिक्स इन द ली ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। तो ये एक तरीके का वही है कि कोई अगर जितने की वैल्यू है, जितने का कोर्ट ने कहा है भाई इतना अमाउंट पे करना है, उतने की कुछ अपनी एसेट रखवाएगा वो। 446 क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, एक बार इसको सर डिटेल कर लेना। हाँ सॉरी, जी 445 बेसिकली क्या क्या रहा है, मतलब कि अभी पीछे तक में हम लोग डिपॉजिट नहीं करा रहे थे, यहाँ डिपॉजिट करा रहे हैं। डिपॉजिट ही होती है, ये सिंपली कह रहा है कि भाई जितने अमाउंट है उतने अमाउंट की चीज रखवा लीजिए। और अभी इससे पीछे वहां वाले जो प्रोविजन थे वहां पर क्या? कौन सा अमाउंट की बात थोड़ी ना लिखी है, डिसाइड तो यहाँ पर हो रहा है ना, कोर्ट ये बता रही है कि भाई ये भी चीज भी रखवा लो, आप गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट रखवा सकते हैं। ओके इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रख दी इन्होंने, आ डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, है तो वही चीज पेपर रखवाते हैं इसमें, LIC गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट रखवा लेते हैं। अब नाउ 446, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक जो पैरास की बात है, तीन इसमें दो पैरास बने हैं, उनका कंक्लूजन वही आ रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है बॉन्ड को जब जब्त किया जाता है। बॉन्ड फॉरफिट कब होगा, बॉन्ड फॉरफिट तब होगा जब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो ना की गई होगी। वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, बॉन्ड किस लिए भरा, अब ये इस कोड की बात कर रहा है, पूरे कोड की, ठीक है, पूरे कोड में हम बॉन्ड किस किस चीज के लिए भरते हैं, एक तो एक्यूज की अपीयरेंस के लिए कि एक्यूज आ जाएगा इस डेट पे, दूसरा बॉन्ड किस चीज के लिए भरा गया होगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी कि हम डेट पे उस प्रॉपर्टी को ले आएंगे जो हमारे पास है। बिफोर अ कोर्ट एंड इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट और एनी कोर्ट विद द केस हैज बीन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड दैट द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, अब जिसके अब दूसरी कोर्ट के पर अगर मामला ट्रांसफर कर दिया गया होगा और उसे पता लग गया है कि हाँ बॉन्ड फॉरफिट हो चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुए, तो बॉन्ड को जब्त कर लिया गया है, या और वाले में क्या कंडीशन लिखी है, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड अंडर दिस कोड इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विद द बॉन्ड वॉज टेकन और ऑफ एनी कोर्ट टू विद द केस हैज बीन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर ऑफ द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दैट बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, दूसरी कंडीशन में फॉरफिट की बात की गई है कि अगर किसी भी और कंडीशन में बॉन्ड को फॉरफिट कर लिया गया है, ठीक है, इन दोनों का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि फॉरफिट होना बॉन्ड का, कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ, कोर्ट क्या करेगा उस ग्राउंड को लिख देगा, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी, तो पेनल्टी देने के लिए कहेगा भाई बॉन्ड अगर आपका फॉरफिट हो गया जस्ट पे द पेनल्टी एंड शो कॉज वाई इफ शो नॉट पेड, और उसको ये शो कॉज नोटिस भी जाएगा कि भैया बॉन्ड तो फॉरफिट हो गया, वाई यू नॉट बाउंड टू पे द पेनल्टी, शो कॉज नोटिस। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, कंडीशन इन द बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, मैंने आपको बताया था कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको छोड़ा जा रहा है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा तो बॉन्ड जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। फॉर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर अ कोर्ट शैल बी कंसिडर्ड इज इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड माना जाएगा कंडीशन में, कंडीशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द केस में बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एनी कोर्ट विच द केस में सब्सिक्वेंटली बी ट्रांसफर, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई थी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था मामला निपटारे के लिए, वहां पे भी अगर उसने फॉलो नहीं किया तो दैट विल बी कंस्टिट्यूट के हाँ वही टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी। टू क्या कहता है, बेसिकली क्या है यहाँ पे 446 में, फॉर फ्यूचर, देखो क्वेश्चन है ना इसका डायरेक्ट आता है MCQ में, सेक्शन बेस्ड आता है और इसका प्रोवाइजो से क्वेश्चन आता है, टू का जो प्रोवाइजो है पनिशमेंट की बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट की,
ध्यान रखना बस इसका फॉर फ्यूचर कहां पर दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। नाउ टू सर क्या कहता है, यहाँ पे फॉरफिटर करा रहे हैं तो आप पेनल्टी किस बात की ले रहे हैं फिर उससे? जब फॉरफिट हो गया है तो उसके बाद भी तो आपने लॉ का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया ना, तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और वो जो पहले उसने दिए थे वो भी फॉरफिट हो जाएगा उसका तो वो तो जो उसने फॉरफिट। जमा करा है? हाँ जी, अच्छा अब ये हमारा है टू। इफ सफिशियंट कॉज इज नॉट शोन एंड द पेनल्टी इज नॉट पेड। अब अगर जब पेनल्टी इम्पोज जो की गई है, सफिशियंट कॉज उसने नहीं बताया और पेनल्टी इम्पोज की गई जो कि उसने नहीं पे करी, नॉट पेड, द कोर्ट में प्रोसीड टू रिकवर द सेम एज इफ दिस सच पेनल्टी वर अ फाइन इम्पोज बाय अंडर दिस कोर्ट। तो जो पेनल्टी है वो उसको ऐसे वसूलेगी जैसे कोई पेनल्टी का वसूल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इसका जो प्रोविजन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड दे कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर एफोरसेड, जो ऊपर कहीं भी बात है उसके द्वारा अगर पेनल्टी रिकवर नहीं की जा रही है और या वो पेनल्टी नहीं पे करता है, द पर्सन सो बाउंड एज अ श्योरिटी। अब देखो यहाँ पर किस पे गाज गिर रही है, इसलिए बोलते हैं कि श्योरिटी जमानती तो कभी बने ही ना किसी का, जनरली आप सब सुनते ही होंगे बात है, द पर्सन सो बाउंड एज अ श्योरिटी। अब श्योरिटी पे आ जाएगी बात, श्योरिटी शैल बी लायबल बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी। तो कोर्ट पेनल्टी वसूल किससे कर सकती है? श्योरिटी से भी कर सकती है। शैल बी लायबल बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी कॉमा टू इम्प्रीजन इन द सिविल जेल फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। 6 महीने तक की भी सजा हो सकती है, ठीक है, और विच में एक्सटेंड है, ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने की ही देगी, क्या पता 1 महीने की दे, 15 दिन की दे, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन सरकमस्टेंसेस को देखेगी। तो 6 महीने तक की भी सजा है यहाँ पर, तो जमानती बनना नहीं चाहिए इतनी आसानी से किसी का, बट हाँ ठीक है थोड़ा फैमिली वैमिली में तो कोई इंसान दे ही देता है, भरोसा जिस पर है। द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग अ रीजन फॉर डूइंग सो रेमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी मेंशन एंड एनफोर्स पेमेंट इन द पार्ट। कोर्ट चाहे तो कुछ पोर्शन कम भी कर सकता है, रेमिट कर सकता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के बाद क्या कारण रहा, क्योंकि शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है ना, शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, शो कॉज नोटिस SCN, तो शो कॉज नोटिस में अपना कारण बताएगा, कोर्ट को लगता है उचित है, नहीं टर्म कंडीशन फुलफिल कर पाया, कोई रीजनेबल ग्राउंड था, तो कोर्ट उस हिसाब से क्या पता उससे फाइन भी ना ले, पेनल्टी भी ना ले, डिपेंड है। नाउ अब आगे कहता है वेयर दी श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज। यहाँ पे भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर श्योरिटी जिसने श्योरिटी बॉन्ड दिया था, वेयर अ श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज, मर जाता है बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिट। अच्छा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए, बिफोर बॉन्ड फॉरफिटेड, बॉन्ड अभी फॉरफिट नहीं हुआ, यानी अभी इसने जो जिसके अगेंस्ट इसने अपनी श्योरिटी दी थी उस वो अभी कंप्लाई कर रहा है, कंडीशन उसने वायलेट नहीं करी है। हिज स्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। तो श्योरिटी से फॉरफीचर से पहले अगर कोई भी फॉरफिट नहीं हुआ है बॉन्ड, तो किसी भी तरीके की इसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी मरने के बाद, नो लाइबिलिटी, ठीक है। बट अगर फॉरफिट हो गया है बॉन्ड, डेफिनेटली श्योरिटी की प्रॉपर्टी तक पे भी जा सकती है बात, ठीक है, रिकवरी होगी ना, डिफॉल्ट होगा तभी तो रिकवरी होगी, जब फॉरफिट ही नहीं हुआ और श्योरिटी पहले ही मर गया तो कोई लाइबिलिटी नहीं है उसकी संपत्ति पे, वसूला नहीं जाएगा। बट हाँ जहाँ पे फॉरफिट हो गया, पेनल्टी हम श्योरिटी से मंगवा रहे हैं और श्योरिटी तब मर जाता है फॉरफीचर के बाद, देन डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी तक भी, प्रॉपर्टी से रिकवरी हो जाएगी फिर। ये बात समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ चलते हैं, वेयर एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड श्योरिटी अंडर 106 के अंदर भी हम सिक्योरिटी देते हैं, 117 और 360, यहाँ पे भी एक तरीके की श्योरिटी दी जाती है, इज कन्विक्टेड एंड ऑफ एन ऑफेंस द कमीशन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज बॉन्ड।
और वो बॉन्ड एग्जीक्यूट इन लीव ऑफ दिस बॉन्ड अंडर सेक्शन 440 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट. इसमें कुछ है नहीं, ये जो सर्टिफाइड कॉपी जो होगी जो जजमेंट की, दैट वुड बी कंसीडर एज अ, कोर्ट इसी को प्रेज्यूम कर लेगा, कोर्ट शैल प्रेज्यूम लिखा है यहाँ पे. एविडेंस में यूज की जा सकती है, ठीक है. कोर्ट शैल प्रेज्यूम इसको मान के चलेगा कि इन्होंने जो बॉन्ड दिया है और इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट की है, तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी जजमेंट की, दैट विल बी प्रेज्यूम एज अ एविडेंस. देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है थोड़ा, ये बात समझ में आ गई थी आपको श्योरिटी वाली? हाँ जी जल्दी से बताइए. श्योरिटी की जो बात करी है वो यहाँ से टू के जो प्रोविजो उसमें बोला गया है. उससे पहले तो हम बॉन्ड की बात कर रहे थे ना कि अगर बॉन्ड, अगर उसने बॉन्ड कंडीशन ब्रीच करी है तो उसका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा. अब एक चीज ध्यान से सुनिए, श्योरिटी है, आप ध्यान से सुनिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझिए, हर चीजों को मिक्स भी मत कीजिए, बॉन्ड को श्योरिटी से, श्योरिटी को बॉन्ड से मत मिक्स कीजिए. श्योरिटी जो है, श्योरिटी एक इंसान है, इसने भी तो बॉन्ड भरा होगा. एक है एक्यूज्ड, उसने अपना पर्सनल बॉन्ड भरा होगा, उसमें भी पर्सनल बॉन्ड जब भरता है, ठीक है, एक तो यह पर्सनल बॉन्ड. अब एक है इस एक्यूज को कहा गया भाई श्योरिटी ले आओ, और श्योरिटी भी बॉन्ड भरता है कि ठीक है मेरी संपत्ति भी. अब श्योरिटी जो है, इसने टर्म्स एंड कंडीशन अगर वॉयलेट करी है, एक्यूज ने नहीं आ पाया कोर्ट में, नहीं आता है, तो शो कॉज नोटिस होगा, इसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी. तो पेनल्टी जब रिकवर नहीं हो पा रही है तो ऑफकोर्स ही बात है श्योरिटी पे भी गाज गिरती है. श्योरिटी, अब इसमें सिचुएशन फोर्थ में क्या कहता है, अगर श्योरिटी मर चुका है पहले ही, पहले ही मर गया और फॉरफिट नहीं हुई थी कुछ चीज, फॉरफिट का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट नहीं हुई, तो जब वॉयलेट ही नहीं हुई, श्योरिटी मर चुका है, तो उसकी काई की लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, नो लाइबिलिटी. बट अगर श्योरिटी जो है फॉरफीचर के बाद मरता है, तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टी में से भी रिकवरी हो जाएगी फिर, तो इतना ध्यान रखना है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. 447, 446 ये भी इम्पोर्टेंट है सर. एक चीज तो, जब ये हम इससे श्योरिटी से हम लोग ले रहे हैं, उससे पहले तो कोर्ट यही ट्राई करेगी ना कि जिसने इससे जो एक्यूज जो है उसी से लेने की कोशिश करेगी ना पेनल्टी. तो भाई वो पर्सनल बॉन्ड, एक बार बताओ वो क्या करता है, वो मुचलका जो देता है श्योरिटी तो देगा, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन पे बेच देंगे, अब उससे भी चीज अगर नहीं वसूल पा रही है चीज, तो उसकी फिर रिकवरी करेंगे. वैसे पेनल्टी इम्पोज की जा रही है जब वो फॉरफिट हो रहा है बॉन्ड, एक्यूज से तो लेंगे, लेकिन एक्यूज की तो प्रॉपर्टी, अगर सही बात, जो उसने जो भी अपनी श्योरिटी दी होगी, जो अमाउंट रखवाया होगा इन द सेंस ऑफ आरसी वगैरह जो भी चीज है, उससे नहीं हो पाएगा जो भी अमाउंट है. बट अभी तो ट्रायल चल रहा है, वो तो श्योरिटी इस चीज की थी कि वो कोर्ट में आए, अब ट्रायल तो चलेगा, वो नहीं आ रहा है, भाग रहा है, तो पेनल्टी तो इम्पोज की जाएगी. ठीक है, 446A. देखो पैसा देने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोर्ट ने 50,000 रुपए की अगर कुछ चीज रखवा रखी थी तो केस ही खत्म हो गया, आप समझ रहे हैं. श्योरिटी जो है उसके जो बॉन्ड है, भाई एक बार बताओ, ऐसे तो करोड़पति जो इंसान होगा वो बॉन्ड भर देगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का आराम से भर देगा, भाग जाएगा, तो केस खत्म हो जाएगा क्या? तो केस तो खत्म नहीं होगा ना, ये तो जब्त इसकी प्रॉब्लम है ना. श्योरिटी ने उसकी जमानत क्यों दी, हमने उसके बिहाफ पे उसको बिलीव करते हुए छोड़ा, तो चलो पैसे से थोड़ी ना चीज सारी सॉल्व हो जाती, तो ट्रायल तो चलेगा, उसको फिर पकड़ेंगे, अरेस्ट करवाएंगे. नाउ कैंसिलेशन ऑफ द बॉन्ड. एंड बेल बॉन्ड, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 446, वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस सेक्शन इज फॉर द अपीयरेंस इन द पर्सन एंड इज फॉरफिटेड. अपीयरेंस की बात थी कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आता है एक्यूज्ड, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब नहीं आएगा तो फॉरफिट, 446 हो गया ना फॉरफिट.
फॉर द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, जब उसने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फुलफिल की तो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा उसकी जो जमानत है, जमानती जब्त हो, सुना ही होगा वर्ड। अब क्या होगा, अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर ऑफ श्योरिटी इन दैट केस शैल स्टैंड कैंसिल, तो कैंसिल होता जाता है। ठीक है, जैसे उसने टर्म्स एंड कंडीशन जो वॉयलेट करी, जो ये जमानत होगी वो जब्त हो जाएगी, फॉरफिट मतलब जब्त हो जाएगी, और जो बॉन्ड था वो सारा कैंसिल। द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर श्योरिटी, उस इंसान ने जो दिया वो भी जब्त, श्योरिटी भी जब्त, और वो सारा कैंसिल। बी, देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड इन दैट केस, उसके बाद पर्सनल बॉन्ड पे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ओनली, ओनली पे अंडरलाइन कर लें, ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड इन दैट केस, अगर एक बार फॉरफिट हो गया है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होगी कि पर्सनल बॉन्ड पे तो छोड़ ही नहीं सकते। इफ द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट एज मे बी फॉर द अपियरेंस बिफोर हुम द बॉन्ड वॉज एग्जीक्यूटेड सेटिस्फाई दैट देयर वॉज नो सफिशियंट कॉज फॉर द फेलियर ऑफ द पर्सन बॉन्ड बाय द बॉन्ड टू कंप्लाई विद कंडीशन। ठीक है, अगर पुलिस और ये क्या नाम है कोर्ट इज सेटिस्फाइड है देन ओनली इट कैन बी गिवन। ठीक है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है देन ओनली इट कैन बी कंसिडर, अदरवाइज उसको पर्सनल बॉन्ड पे तो छोड़ेंगे ही नहीं हम, क्योंकि लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है फॉर फ्यूचर के बाद उसको एक सफिशिएंट कॉज भी तो दिया जाता है ना पेनल्टी के लिए। प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड ही मे बी रिलीज इन दैट केस अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रेश बॉन्ड, तो जब ये कैंसिल हो गया है बिल्कुल छोड़ा जा सकता है उसको, फ्रेश बॉन्ड ले आइए। ठीक है, अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रेश पर्सनल बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एंड द बॉन्ड बाय वन और मोर श्योरिटीज, ये है अभी फ्रेश, एक तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल बॉन्ड की, उसके साथ साथ विद श्योरिटी भी होगा वन और मोर। ठीक है, पुराने वाला कैंसिल, कोर्ट को उचित लगता है भाई अभी भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है पुराने वाला तो कैंसिल, नया बॉन्ड भरवाइए उससे। ठीक है, और ये ऐड कब हुआ, इसका ईयर जरूर ध्यान में रख लेना, 1980 में ऐड हुआ था ये 446 का ए। नाउ 447, यहां बात करते हैं इंसॉल्वेंसी डेथ एंड प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स का, किसी की डेथ हो गई है श्योरिटी की, और व्हेन द बॉन्ड इज फॉरफिटेड, मैंने आपको बताया जब बॉन्ड फॉरफिट हो गया है तो क्या कंडीशन होती है, जब जमानत जब्त हो गई है तो क्या होगा, फ्रेश सिक्योरिटी है ना, कैंसिल की तरीके से ट्रीट हो जाएगा फॉरफिट हो गया तो। व्हेन एनी श्योरिटी टू बॉन्ड अंडर दिस कोड बिकम इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकल गया वो किसी की क्या श्योरिटी देगा, जो मर गया था वो क्या श्योरिटी देगा, और व्हेन द बॉन्ड इज फॉरफिट, तो तीन कंडीशन है इंसॉल्वेंट डेथ और फॉरफिट अंडर द प्रोविजन 446 द कोर्ट बाय हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में ऑर्डर द पर्सन फ्रॉम होम सच सिक्योरिटी वॉज डिमांडेड टू फर्निश अ फ्रेश सिक्योरिटी, तो फ्रेश सिक्योरिटी देगा जिसका दिवालिया निकल चुका है, जो मर चुका है या जमानत जो जब्त हो चुकी है, तो भैया फ्रेश सिक्योरिटी लिया। एंड इफ सच श्योरिटी इज नॉट फर्निश, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर नहीं देगा फ्रेश तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है तो जेल में डालिए। सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में प्रोसीड एज इफ हैड बीन अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ओरिजिनल ऑर्डर, तो कोर्ट इसको मानेगा भैया इसने ओरिजिनल ऑर्डर को डिफॉल्ट कर दिया है, अब ओरिजिनल ऑर्डर को डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है, फ्रेश सिक्योरिटी भी नहीं तो जेल में जाए। 448 बॉन्ड रिक्वायर फ्रॉम द माइनर, अब माइनर जो इंसान है वो अपना बॉन्ड दे सकता है क्या, माइनर क्या गारंटी दे देगा, बच्चा गारंटी दे देगा कि मैं आ जाऊंगा कोर्ट में जब चाहो, वैसे तो आजकल सब मैच्योर है, बट ऑफ कोर्स उसके बिहाफ पे श्योरिटी कौन देगा, श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इज अ माइनर, कोर्ट कहती है भाई बॉन्ड भरवाना माइनर से,
सच कोर्ट और ऑफिसर में एक्सेप्ट इन लियो ऑफ देयर ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय द श्योरिटी और श्योरिटी ओनली। तो माइनर की जगह पे कौन दे देगा बॉन्ड? श्योरिटी दे देगा। श्योरिटी कोई भी हो सकता है, उसका फादर मदर के यहाँ, ठीक है। वेन एवर द कोर्ट विल आस्क द माइनर टू बिकम बिफोर द कोर्ट, श्योरिटी उसकी माइनर के बिहाफ पे दे देगा। श्योरिटी कैन बी एनी पर्सन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अपील फ्रॉम द ऑर्डर, अपीलेबल ऑर्डर है 446 के अंदर, जो भी डिसीजन कोर्ट लेती है दैट इज अपीलेबल। सो व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिस, एक सेकेंड, ऑल द ऑर्डर पास अंडर 440 शैल बी अपीलेबल, अपीलेबल होंगे इन द केस ऑफ। अब ये बहुत सिंपल सा है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई ऑर्डर पास करा इसकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है तो जहां पर जनरली लाई होती है तो कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट ही तो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक 450 और पढ़ लेते हैं। पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द सर्टेन रिकॉग्निजेंस, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लेवी द अमाउंट ड्यू ऑन अ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। अब क्या नाम है, कुछ अमाउंट भी इम्पोज किया जा सकता है किस चीज के लिए, कि कोई इंसान हाई कोर्ट में अपियर होगा या कोर्ट ऑफ सेशन में अपियर होगा, वेन एवर बी आस्क टू कम बिफोर द कोर्ट। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकते हैं किसको? किसी मजिस्ट्रेट को। फॉर व्हाट पर्पस? टू लेवी, ये लेवी का मतलब होता है इम्पोज द अमाउंट ड्यू ऑन अ बॉन्ड ऑफ अपियरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट, यानी कोर्ट में आने के लिए भी उससे कुछ अमाउंट इम्पोज किया जा सकता है। तो ये हमारा है बॉन्ड एंड श्योरिटीज, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आई थिंक ये हो जाएगा, हम 15-20 मिनट और लेंगे इसमें, 7:40, ठीक है। बहुत बड़ा तो टॉपिक नहीं है ये। पढ़ लेते हैं इसको, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, बिकॉज कल की क्लास नहीं हो पाई तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कंपनसेट। 451 से 459 तक है, दैट विल बी डीलिंग विद द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाना है। कई बार प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की होती है, ठीक है, पेरिशेबल नेचर की चीज है। अगर बताइए, अगर कोई संपत्ति है जो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में लिखा ही है, ठीक है। अगर कोई जो प्रॉपर्टी है पता चला वो पेरिशेबल नेचर की है, सड़ जाएगी तो किसी के काम नहीं आएगी, तो इसमें कोर्ट क्या करती है? जैसे आपने सीपीसी में भी पढ़ा ही होगा, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर नंबर 39, रूल बता दीजिए जरा। पेरिशेबल नेचर की है तो क्या करते हैं हम, कौन बताएगा? ऑर्डर 39 सीपीसी के अंदर है ना, रूल बताइए कौन सा है। सिक्स पढ़ा है आपने? अरे पांच नहीं, सिक्स, ठीक है। सिक्स में क्या इंटरिम सेल की बात की गई है ना, बेच देते हैं, तो इंटरिम सेल। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, कोई संपत्ति ऐसी जो पेरिशेबल नेचर की है या नेचुरल डिके, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी को जल्दी से बेच सकते हैं, उसको सेल करवा देंगे। सेल करवाने के बाद जो पैसा आएगा वो बाद में देख लेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे उस कि किसके पास जाएगा वो। और प्रॉपर्टी किसी और के पास है तो वहां से कहीं और भी भेजी जा सकती है। अब सुपरदारी भी, जो मैंने आपसे बात कही थी, सुपरदारी भी इसमें ही कवर होती है, 451 में ही कवर होती है सुपरदारी। सुपरदारी क्या है, जैसे कोई चोरी हो गई है, सपोज किसी की बाइक या कार अगर चोरी हो गई है, चोरी होने के बाद उसकी रिकवरी हो गई है, तो रिकवरी होने के बाद वो कहाँ रखी जाती है? जनरली पुलिस के पास रखी जाएगी वो, ठीक है। पुलिस मलखाना होता है, मालखाना, कई जगह मलखाना बोल देते हैं, मालखाना ही समझ लेते हैं, तो वहाँ रखी जाती है। वहाँ बहुत लंबे समय तक तो रखी ना जाए, बहुत लंबे समय तक रखी जाएगी तो वहाँ तो वैसी गल सड़ जाएगी, चीज चोरी हो जाती है, और पुलिस कहीं ना कहीं अकाउंटेबल भी है अगर यहाँ पे चीज़ों को नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कई जगह कोतवाली जो जगह है, या पुलिस की अपनी एक जगह होती है, स्पेस होती है, जहाँ पे सारा सामान, गाड़ियाँ, बाइकें, नई नई कार खड़ी होती हैं, और कई बार टाइम के साथ साथ कोई सुपरदारी पे छोड़ा नहीं रहा है तो धीरे धीरे गल जाती है, सड़ जाती है, या धीरे धीरे सामान भी चोरी होने लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो उससे बढ़िया क्या है, अपनी जो प्रॉपर्टी है अगर मिल गई है, रिकवरी हो रही है उसकी,
तो आप सुपरदारी में कोर्ट की निगरानी में उसको छुड़ा लीजिए, ठीक है? कोर्ट की निगरानी में उसको छुड़वाया था। कोर्ट फिर अब क्या कहता है, कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपके बैरेट में भी लिखी हुई है वो, सुंदर भाई अमल भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है? सुंदर भाई अमल भाई अंबाला भाई, सॉरी, सुंदर भाई अंबा अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2003 का केस है ये। इसी केस में कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन भी दिया कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी जो है इसमें कवर होगी। वैसे तो प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन आपकी 451 में भी दे रखी है। इसमें कोर्ट ने यही कहा है कि जो सुपरदारी की एप्लीकेशन है ना, इसको नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर पेपर में, या नॉलेज के लिए जरूर पता होना चाहिए केस, सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, कि जो भी प्रॉपर्टी है, इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी। अब एक बार बताओ, किसी की ज्वेलरी चोरी हो गई, कार की बात थोड़ी ना है, ज्वेलरी भी तो चोरी हो सकती है, घर से चोरी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, पेरिशेबल नेचर की भी हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग। नाउ ये जो एप्लीकेशन है, अभी हम मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो एप्लीकेशन हैज टू बी डिस्पोज ऑफ विद हाउ मेनी डेज, 15 से 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए वो। ऐसा क्यों, ये प्रोविजन क्यों रखा गया? भैया एक बार बताओ, मेरी एक तो बाइक चोरी हो गई या कार चोरी हो गई, उसके बाद चोरी मेरी हुई, मेरा लॉस हुआ, क्या मैं नई कार खरीदूंगा, क्या नई बाइक खरीदूंगा? मुझे जाना भी तो ऑफिस, तो दैट एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन डिस्पोज ऑफ विद इन 15 टू वो 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाए, सो दैट आई कैन एंजॉय माय प्रॉपर्टी, ठीक है? बिकॉज क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मेरी बाइक है, ये कार है, इसको यूज कर लिया हो चोरों ने किसी मर्डर के केस में, अब तो ट्रायल चलेगा। लेकिन ट्रायल जब चलेगा तो भैया ये तो मेरी जो कार है, ये तो पूरा, एक तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई और उसके बाद मर्डर में यूज हो गई, तो डेफिनेटली मैं तो अपनी संपत्ति से वंचित हो जाऊंगा, तो क्या मुझे गाड़ी वापस नहीं मिलेगी? तो मेरे को गाड़ी मिलेगी सुपरदारी की कंडी, मत जो एक बॉन्ड है इसमें भरवाया जाता है कि वेन एवर द कोर्ट विल आस्क यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट, अपनी गाड़ी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चीजों को देखना पड़ेगा ट्रायल के दौरान, ठीक है? और लेकिन इस केस में सुंदर भाई अंबालाल देसाई केस में ये भी कहा कि उसका पंचनामा करवा लो, पंचनामा इन द सेंस के उसके कोई फोटो वोटो करवा लीजिए गाड़ी के, तो वो भी यूज हो जाता है, ठीक है? वो भी यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स ऑफ द कार एंड ऑल, या प्रॉपर्टी जो भी है जो जब्त की गई थी, तो सुपरदारी नामा होता है, ठीक है? वो फिल करना पड़ता है, फिर कोर्ट उसको रिलीज कर देती है ताकि आई कैन यूज माई प्रॉपर्टी। सुपरदारी की एप्लीकेशन एनी स्टेज पे लग सकती है, ठीक है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल कंप्लीट होने से पहले, बिफोर ट्रायल, अच्छा एक बार रिजेक्ट हो जाए, क्या एक बार रिजेक्ट हो जाए क्या एप्लीकेशन दोबारा लगाई जा सकती है? आंसर इज यस। ये कहा गया आपका सतनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सतनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा गया, ठीक है? कब का केस था? 1991 का केस है। एक बार अगर आपने सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, देन डेफिनेटली यू कैन फाइल इट अगेन। अब एक केस था जिसमें श्रीमती बसवा का केस था, श्रीमती बसवा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब इस केस में क्या हुआ, अब एक मैटर था, डिस्प्यूटेड था, जिसके अंदर जो संपत्ति जब्त हो गई थी उसके अंदर एक ट्रंक थी,
ट्रंक के अंदर गोल्ड था और ये पुलिस मलखाना में जमा हुई थी, ठीक है। अब लेकिन जब इस लेडी के फेवर में डिसीजन आया, जब इसको ये ट्रंक वापस दी गई, तो उसमें गोल्ड था ही नहीं, नो आर्टिकल वॉज फाउंड, किसी भी तरीके गोल्ड नहीं था, तो पुलिस के खिलाफ FIR हुई, कार्रवाई हुई, एंड देयरफॉर जब कार्रवाई हुई पुलिस के खिलाफ, तो पुलिस हैज टू पे, पुलिस हैड टू पे द अमाउंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुलिस मलखाना में से अगर कुछ चीजें गायब कर दी गई है, तो पुलिस इज अकाउंटेबल फॉर द सेम। आपने केस भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो टॉर्ट्स का केस है, अगर बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपने कस्तूरी लाल का केस पढ़ा होगा, पढ़ा है कस्तूरी लाल राम रालिया, पुलिस कस्तूरी राम राल, कांस्टेबल हाँ जी, ये गोल्ड लेके भाग जाता ना पाकिस्तान, लेकिन बड़ा बेकार डिसाइड हुआ केस है, क्योंकि इसमें कह दिया गया कि जो पुलिस है वो अपना सॉवरन फंक्शन कर रही थी, इसलिए तो पुलिस इज नॉट अकाउंटेबल। इट इज अ, मेरे को बहुत बेकार केस डिसाइडेड हुआ लगा ये। आप सब भी जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो को एक इसमें सॉवरन फंक्शन का डिफेंस ले लिया गया, यानी अकाउंटेबल नहीं थे वो, बट इस केस में कहा गया अकाउंटेबल है, ठीक है। और एक केस और कराता हूँ, वैसे काफी ज्यादा हो जाएगा इसमें, याद रख लेना, सतनाम एग्रो का केस है, सतनाम एग्रो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो अगर कोई इसमें इसमें ये कहा गया था, अगर कोई जो प्रॉपर्टी है वो पेरिशेबल नेचर की है, जो पेरिशेबल नेचर की है, इसको क्या करेंगे हम, इसको पब्लिक ऑक्शन के जरिए जल्दी से बेच देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पब्लिक ऑक्शन करा देते हैं, सतनाम एग्रो इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब एक बार बताओ ना, क्योंकि अगर पेरिशेबल नेचर की है, वो चीज खराब ही हो जाएगी, तो वो किसी की रहेगी नहीं, से बढ़िया बेच दो, बाद में देख लेंगे। ओके, सो ये हमारा एक थोड़ा सुपरदारी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को शायद, मुझे नहीं लगता कि पता था, तो ये पता भी होना चाहिए आपको सुपरदारी क्या है। शैल आई रैबिट, अब बैरेट की तरफ चलते हैं। सर ये सतनाम एग्रो सतनाम एग्रो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हाँ जी बोलिए यामिनी। और सर ये कैसे श्रीमती डैश वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर इसमें क्या लिखा है? श्रीमती बसवा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये था एक ट्रंक मिला था बेसिकली, जो पुलिस मलखाना में जमा करा दिया था ट्रंक, और लेकिन उसमें गोल्ड था लेडी का, जब उसको फेवर में डिसीजन आया तो गोल्ड था ही नहीं उसमें। तो सर इसमें क्या तो बोला था, पुलिस को पे करना था अमाउंट? हाँ, तो कौन पे करेगा, पुलिस ही पे करेगी, प्रोसिक्यूशन पे करेगा, ये जो इस पुलिस भी क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी तो स्टेट की है ना, स्टेट को पे करना पड़ेगा। अगर मेरी गाड़ी भी, अगर मेरी, अब ये भी तो प्रॉपर्टी है, गोल्ड भी तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 451 पढ़ते हैं जल्दी से, लिख लिया, बताओ कोई डाउट है तो आगे चलते हैं, नहीं तो 5 केस हो गए सुपरदारी पे ही, नो डाउट सर। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब जल्दी से, 451 बैरेट कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए, 451 ऑनवर्ड्स। नाउ ऑर्डर फॉर द कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन द सर्टेन केसेस। अब ट्रायल पेंडिंग है, अब ट्रायल पेंडिंग है, कोई बार प्रॉपर्टी हो सकती है पेरिशेबल की है, या जिस इंसान को दी जानी चाहिए उसको दीजिए, ट्रायल तो लंबा चलता रहेगा, वंचित हो गया वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स डिप्राइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो उसको दीजिए जिसको दिया जाना चाहिए। व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट, जब कोई संपत्ति क्रिमिनल कोर्ट के सामने लाई जाती है, ड्यूरिंग एन इंक्वायरी और ट्रायल, कोई प्रॉपर्टी इंक्वायरी और ट्रायल में कोर्ट के सामने, क्रिमिनल कोर्ट के सामने लाई गई, द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट, कोर्ट को जो उचित लगे उस तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ द सच प्रॉपर्टी। अब कोर्ट अपने पास तो रखेगी नहीं उस प्रॉपर्टी को, वो उस इंसान को दे देगी जिसको कोर्ट को उचित लगता है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, अब ट्रायल का या इंक्वायरी का डिसीजन तो पता नहीं कब जाके आएगा, ट्रायल कब खत्म होगा,
तो उसको कस्टडी दे उसकी जिसकी संपत्ति लगता है कि भाई ही इज अ राइटफुल पर्सन टू हैव द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। और ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी इस पेरिशेबल नेचर की है, स्पीडी डिके की है, स्पीडी एंड नेचुरल डिके, नेचुरल डिके, डिके मतलब खराब हो जाएगी, तो क्या करेगी? और इफ इट इज अदरवाइज एक्सपीडियंट टू डू सो, या कोर्ट को जो भी उचित लगता है, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस एंड थिंक नेसेसरी ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या तो कोर्ट उसको बेचवा देगी या डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ के बारे में बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है? डिस्पोज ऑफ में क्या कर सकती है, जैसे कोर्ट कोई ऐसी संपत्ति है जो आगे हम प्रोविजन पढ़ेंगे, जैसे कोई ऐसी संपत्ति है जो ऑब्सीन है, वल्गर चीजें हैं, सीडीज हैं, तो उसको तोड़वा देगी, डिस्ट्रक्शन भी करवा देगी, ठीक है? अब है तो प्रॉपर्टी, लेकिन अब बताओ पायरेटेड सीडी है, पायरेटेड सीडी होती है ना, उसको क्या बिकने देगी कोर्ट? तोड़वा देगी उसको, डिस्ट्रक्ट करवा देगी, डिस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर देगी ना, आगे देखना अपन इसी तरीके के ऑर्डर्स में मिलेंगे आपको, ठीक है? सीज करवा के। अब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, विच इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और विच इज इन द इट्स कस्टडी, जो भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई है। ये तो चलो सिंपल था, सेकंड वाले को समझना अच्छे से। एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके से संबंधित अपराध किया गया है, विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड, या जिसका यूज किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया किसी की बाइक चुरा ली और उस बाइक को चुराने के बाद किसी का मर्डर किया गया है, तो ये किसी क्राइम में यूज हुई ना प्रॉपर्टी है। अब बेचारा जिसकी बाइक चुराई वो तो खुद बाइक से भी वंचित हो गया, और उसका पूरा ट्रायल के दौरान बाइक वहां रहेगी, तो अब जो बाइक या कार है तो उसके लिए हम सुपरदारी की एप्लीकेशन लगवा के उसको हटवा लेंगे, ठीक है? कोर्ट की निगरानी में अपने पास ले आएंगे, हम यूज करेंगे। अब कोई संपत्ति है, जैसे सपोज कीजिए कोई ज्वेलरी चोरी हुई है, थेफ्ट हुई घर में, डकैती हुई और डकैती की रिकवरी हो गई, तो प्रॉपर्टी जो है उसको भी कोर्ट चाहे तो जिस मर्जी जिसको वो लगता है उस इंसान के पास जानी चाहिए, तो कोर्ट 1451 के अंदर ऑर्डर पास करेगी कि ये संपत्ति उसको दे दी जाए। लेकिन संपत्ति जब देगी तो कुछ ना कुछ, तो अगर वो भाग गया इंसान तो उससे भी कुछ बॉन्ड भरवा लेती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 452। ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब जब मामला जब कंक्लूजन हो जाएगा ट्रायल का, तो जिसके पास जानी चाहिए उसको कोर्ट दे देगी संपत्ति। बिल्कुल सिंपल सा प्रोविजन है। व्हेन एन इंक्वायरी और ट्रायल इन द क्रिमिनल कोर्ट इज कंक्लूडेड, जब मामला कंक्लूड हो गया है, द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज ए थिंग फिट फॉर द डिस्पोजल बाय डिस्ट्रक्शन। अब कोर्ट चाहे तो संपत्ति को कंक्लूजन के बाद डिस्ट्रक्शन कराए, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, वो कह रहा है ये तो मेरी सीडी थी, मेरा कॉपीराइट था, मुझे मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है ये तो मेरा राइट था, ठीक है? तो अब क्या होगा? पता चला जिसकी पायरेटेड थी उसकी सारी जो सीडीज हैं या जो भी चीजें मैटर, उसको जलाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अगर कोई कह रहा है ये मेरी किताब है, तीनों नकली छाप दी, तो डिस्ट्रक्ट कीजिए, कॉन्फिस्केट जब्त भी हो सकती है। डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, जो कह रहा है ये तो मेरी संपत्ति थी सारी, उसको डिलीवर कर देंगे। और अदरवाइज ऑफ एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और विच हैज बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है? तो ये चीज करेगी कंक्लूजन पर, डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिस्केशन, डिलीवर कर देगी जिसको जानी चाहिए वो। सेकंड में क्या कर रहा है, एन ऑर्डर मे बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयर ऑफ विदाउट एनी कंडीशन और अनकंडीशन। जिसको दिया जा रहा है डिलीवरी प्रॉपर्टी का, यहाँ जो हमने डिलीवरी कर रहे हैं उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी तो हो सकती है, कंडीशन और विदाउट कंडीशन, दैट ही एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। मैंने आपसे कहा कहा बॉन्ड भरवा लेंगे विद और विदाउट श्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इंगेजिंग टू रिस्टोर सच प्रॉपर्टी टू द कोर्ट इफ द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन इज मॉडिफाइड टू सेटिस्फाइड ऑन अपील और रिविजन।
अब सपोज कीजिए जिस इंसान को हमने प्रॉपर्टी डिलीवरी की बात करी है, यानी इस इंसान के फेवर में डिसीजन आया, लेकिन जो इसके अपोजिट होगा वो तो अपील करेगा ना, ही कैन अपील। अब अपील के दौरान अगर क्या पता कोर्ट ने मॉडिफाई कर दे डिसीजन, ठीक है, क्या पता रिवर्स कर दे, क्या सेटिसाइड कर दे, तो जब सेटिसाइड हो जाएगा तो ये इंसान से इसलिए हम बॉन्ड भरवा लेते हैं कि भैया संपत्ति को ना ही बेचेगा। अब ये कंडीशन हो सकती है जो चीज तेरे को दे रहे हैं हम डिलीवर कर रहे हैं, इसको ना बेच सकता ना डिस्पोज ऑफ करेगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि अपील में क्या पता मॉडिफाई हो जाए डिसीजन, सेटिसाइड हो जाए, और रिवीजन में भी, इसलिए हम बॉन्ड भरवाते हैं। और इसी के जैसा आपने एक सेक्शन भी पढ़ा होगा, सीपीसी में पढ़ा होगा, बताइए जल्दी से कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, 83 हाँ जी, तो 144, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वापिस दीजिए, कोर्ट ऑर्डर दे देगा ना अगर रिवर्स हो जाती है चीजें। थर्ड, कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ मेकिंग एन ऑर्डर, अब क्या कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, खुद ना डिसाइड करके क्या करेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू द सीजेएम, सीजेएम साहब इस बात पर डिसीजन लेंगे कि इसको संपत्ति दी जानी है, ठीक है, जो कि 457, 458, 459 के अकॉर्डिंग से काम करेंगे। ओके, सो अब ये कहता है फोर्थ इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, इसका ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट विद द प्रॉपर्टी इज ए लाइव स्टॉक, अगर कोई लिव स्टॉक संपत्ति है, लिव स्टॉक कैसी होती है, या जो जल्दी सड़ जाए, तो जानवर, स्पीड्स, पशु 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 वगैरह। और नेचुरल डिके, ठीक है, जो जल्दी सड़ सकती है, लिव स्टॉक है, उन सिचुएशन को छोड़कर, या जहां पे बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूट इन द पर्सन, जहां पे बॉन्ड भर दिया गया हो, एन ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन वन शैल नॉट बी कैरिड आउट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने तक ऑर्डर को कैरिड आउट नहीं किया जाएगा। बट इन सिचुएशन में 2 महीने वेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अरे 2 महीने में तो सारी चीज खराब हो जाएगी ना, तो इसलिए वेट नहीं करना पड़ेगा उन मामलों में। लेकिन हाँ, जो पेरिशेबल नेचर के नहीं है और जब बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया गया है तो 2 महीने के बाद ही वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। या अपील अगर प्रेजेंट कर दी गई है तो अपील जब तक डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, जब तक अपील का डिसीजन ना आ जाए तब तक चीजों को किसी और इंसान को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो 2 महीने वेट करेंगे। तो सर यहाँ पे 2 में जो हम बॉन्ड भरवा रहे हैं वहां पर क्यों फिर इसको कैसे रिलेट करें उससे? मतलब यहाँ तो कह रहा है कि अपील का वेट करो पीरियड का, तब उसको देंगे। तो 2 महीने बाद भी तो चीज दे रहे हैं, ट्रायल तो आएगा 10 साल बाद, 10 साल तो चलो छोड़ो कमी लगा लेते हैं, तो 10 साल बाद आएगा, तो उस इंसान को उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय तो करने दिया जाए जिसको कोर्ट में लग रहा है। अब आपकी कुछ गाड़ी है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी किसी पंगे में आ गई, तो आपको गाड़ी नहीं मिले 10 साल तक, आप क्या नई गाड़ी खरीदेंगे? लेकिन 2 महीने बाद ही मिलेगी चीज, 2 महीने किसके बाद, किस 2 महीने कब से? एक नेचुरल टाइम पीरियड है, 2 महीने तो वेट करना पड़ेगा जो भी कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है, अगर वो स्पीडी डिके की नहीं है तो। शैल नॉट अच्छा बी कैरिड आउट फॉर द 2 मंथ और वेयर एन अपील इज प्रेजेंटेड, क्योंकि क्या पता इस इंसान ने अपील कर दी हो ना, उन उन चीजों में वेट नहीं करना पड़ेगा जो नेचुरल डिके की, वो तो इमिडिएटली भाई ऑफ कोर्स ही बात है कोर्ट होल्ड कर देगी। और वैसे भी ये जो प्रोविजन है कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल की बात कर रहा है, जब ट्रायल का डिसीजन आ चुका है, ठीक है। नाउ फिफ्थ पढ़ते हैं, इन दिस सेक्शन द टर्म प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, इंक्लूड्स इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग व्हिच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, जिस संपत्ति के प्रॉपर्टी में वही है, जैसे इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग व्हिच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, इस संपत्ति के रिलेशन में ऑफेंस हुआ हो वो भी कंप्लीट होगा। नॉट ओनली सच प्रॉपर्टी एज हैज बीन ओरिजिनली इन द पोजेशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, बट आल्सो एनी प्रॉपर्टी इनटू और फॉर विद द सेम मे हैव बीन कन्वर्टेड कन्वर्टेड और एक्सचेंज, क्या पता उसने संपत्ति को कन्वर्ट कर लिया हो या एक्सचेंज कर लिया हो, ठीक है, वो संपत्ति भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। एंड एनीथिंग एक्वायर्ड बाय सच कन्वर्जन और एक्सचेंज वेदर इमीडिएट और अदरवाइज, तो यानी कई बार नेचर भी तो चेंज हो सकता है प्रॉपर्टी का,
तो अगर उसने चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, किसी से कुछ और संपत्ति ले ली है, तो दैट विल बी कवर्ड ऑल्सो। 453 पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर, अब यहाँ पर ये इसके फायदे की बात करता है 453। अब कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें नहीं पता है कि चोरी की संपत्ति है, किस चीज की है, उन्होंने खरीद ली है, तो 453 में वही बात है कि उनको पेमेंट दी जाएगी जो इनोसेंट परचेजर है। कंक्लूजन के ट्रायल के बाद पता चला ये संपत्ति तो चोरी की थी। अब चोरी की संपत्ति है, आपने चाहे कितना भी सही पैसा दिया हो चोरी की संपत्ति के, आप मालिक नहीं बन जाएंगे, इनोसेंट परचेजर है। आपको क्या मिलेगा? जो आपने पे किया, बस वट एवर यू हैव पेड यू विल गेट दैट मच अमाउंट ओनली। तो ये क्या कहता है, पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ द मनी फाउंड ऑन एक्यूज व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स और अमाउंट टू थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस इंसान ने अगर चोरी की संपत्ति खरीद ली है या जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, एंड इट इज प्रूव दैट एनी अदर पर्सन बॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम हिम, मतलब जो चोर था या उससे संपत्ति किसी और इंसान ने, इनोसेंट पर्सन ने खरीद ली, पेमेंट दे के ही खरीदी है, फ्रॉम हिम विदाउट नोइंग, उसे नहीं पता था कि ये चोरी की संपत्ति है, विदाउट नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इज सम सेम वॉज स्टोलन। तो ये भी जरूरी है, इनोसेंट परचेजर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इनोसेंट परचेजन कब होगा? जब उसे नहीं पता, विदाउट नॉलेज। या उसे ये नहीं पता, रीजन टू बिलीव, ठीक है, रीजन टू बिलीव कि ये चोरी की संपत्ति है या नहीं है। अब वो ऑफकोर्स ही बात है, एविडेंस में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जहां वो अपनी बात साबित कर सकता है कि हाँ मैं इनोसेंट परचेजर, बिकॉज अगर 10,000 रुपये की संपत्ति आप अगर 2,000 में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है चोरी की है। अगर 10,000 की संपत्ति की आप 6-7 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, देन इट कैन बी, तो कोर्ट कैन कंसीडर यू माइट बी अवेयर अबाउट इट इज नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर आप 10,000 के मोबाइल के 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो कोर्ट ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये चोरी की संपत्ति, आपको नहीं पता था। लेकिन अगर वही चीज 10,000 की चीज 2,000 की ले रहे हो, तो द कोर्ट कैन प्रेज्यूम, ठीक है, कि कहीं ना कहीं चोरी की संपत्ति आपको पता था। तो यानी यू मस्ट बी इनोसेंट परचेजर होने चाहिए आप, दैट द सेम वॉज स्टोलन एंड दैट एनी मनी हैज ऑन इज इन अरेस्ट टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सच परचेजर एंड ऑन द रेस्टिट्यूशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी टू द पर्सन। अब कोर्ट इसमें क्या करेगा, रेस्टिट्यूट भी कराएगा, जो इसका रियल मालिक है उसको तो प्रॉपर्टी देगा ही, बट एट द सेम टाइम क्या करेगा, जो भी पैसा उसने उससे लिया होगा, क्या नाम है, जो एक्यूज है, नॉट एक्सीडिंग द प्राइस पेड, अब इसको पैसा पे किया जाएगा, ठीक है, किसको पे किया जा रहा है, जो इनोसेंट परचेजर है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 454 अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर 452 एंड 453, 452 हो या 453 हो, अपील हम कर सकते हैं। 452 में क्या है, 452 में क्या है, ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, अगर कोर्ट ने किसी और को संपत्ति दे दी है, या कोर्ट ने कोई हार्श ऑर्डर पास कर दिया है, या पेमेंट अगर कोर्ट ने इनोसेंट परचेसर को एक्यूज के अगेंस्ट पास किया हो, तो उसकी भी अपील की जा सकती है। एनी पर्सन बाय अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट अंडर 452 453, कहाँ अपील करेगा, जहां पे ऑर्डिनरी लाई होती है, ठीक है, फ्रॉम द कन्विक्शन फ्रॉम द फॉर्मर कोर्ट ऑन एंड सच अपील। अब अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, मे डायरेक्ट द ऑर्डर टू बी स्टेट पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील वट एवर द ऑर्डर, यानी कोर्ट को वो अपील के दौरान, अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, वो जो ऑर्डर था नीचे वाले कोर्ट का उसको स्टे कर देगा, कह देगा अभी रुक जाइए, जरा डिलीवर मत कीजिए प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट कैन बी डन, इसीलिए 2 महीने का टाइम है ना, और मे मॉडिफाई और अल्टर और नल, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है, एनल भी कर सकता है, खंडित भी कर सकता है, वट एवर द ऑर्डर हैज बीन पास बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है, जो भी उचित लगे। तो एपिलेट कोर्ट कैन डू एनीथिंग एज पर द सेक्शन 454 का 2। 3 क्या कहता है, पावर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 मे ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिविजन वाइल डीलिंग विद द केस इन विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन एज वर मेड। तो जो पावर है जो 2 में दे रखी है एपिलेट कोर्ट को,
may also be exercised by the court of appeal, confirmation or revision. उस दौरान भी यूज की जा सकते हैं कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा, जब वो किसी ऑर्डर को कंफर्म करेगा या रिवीजन के दौरान. नाउ 455 बड़ा सिंपल सा है, ऑलरेडी वैसे मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूं. डिस्ट्रक्शन ऑफ लीबलेस एंड अदर मैटर. एक है लीबलेस और अदर, इनका क्या करना, डिस्ट्रक्शन करना. डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ देना, सब चीजों को नष्ट करना. जब कभी कन्विक्शन होगी 292 में आपको पता होगा सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेचता है वो, ठीक है, अश्लील चीजें बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, तो उनको जलाया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा. 501 और 502 क्या कहता है, 501 502 जो डिफेम हुआ है, 501 क्या है आईपीसी का. हाँ जी, सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग द मटेरियल, डिफेमेटरी मटेरियल एंड ऑल, 501 एंड 502. प्रिंटेड डिफेमेटरी जो डिफेम हुआ है उसमें हमने वो छापे होंगे ना. लीवलेस क्या होता है, लीवलेस होता है रिटन मैनर में, ठीक है, हमने पैम्पलेट छाप दिए, बदनाम कर दिया, तो उनको भी तो जलाया जाएगा या नष्ट किया जाएगा. द कोर्ट में ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द कॉपीज ऑफ द थिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द कन्विक्शन वाज हैड एंड विच आर इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट और रिमेन इन द पोजीशन और द पावर ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड. क्या पता वो चीज़ें अभी कन्विक्टेड पर्सन के पास ही हो. तो आपने एक वर्ड सुना होगा एंटन पिलर, सुना ये वर्ड एंटन पिलर, ऑर्डर भी पास होता है इसमें आपका कॉपीराइट एक्ट के अंदर, जहां पर वो सामान रखा है ना वहां पे जाने का ऑर्डर भी पास होता है, जिस गोदाम में वो सामान रखा तो वहां पे जाने का ऑर्डर भी पास होता है, तो वो डिस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, डैमेज कर दिया जाएगा संपत्ति को. दूसरे में क्या लिखा है यहाँ पर, अदर मैटर का मतलब क्या है, अदर, अदर का मतलब इसलिए टू पढ़ना पड़ेगा. द कोर्ट में इन द लाइक मैनर ऑन द कन्विक्शन 272 क्या है आईपीसी का, एडल्ट्रस फूड है, मिलावटी सामान है, ठीक है. अभी आपको पता है दिवाली आई, होली आएगी, तो एडल्ट्रेट फूड मिलेगा, मिठाइयों में मिलावट मिलेगी, तो 274 275 कोई ड्रग्स हो, दवाइयाँ हो, गलत तरीके से बनाई जा रही है, फूड ड्रिंक ड्रग मेडिकल प्रिपरेशन, फूड ड्रिंक ड्रग्स और मेडिकल प्रिपरेशन. अब जब कोर्ट को लगता है कि गलत बनाए गए हैं तो इसको डिस्ट्रॉय कीजिए. Now 466, oh sorry 456, power to restore the possession of the immoral property. कई बार क्या होता है जिस इंसान को dispossess कर दिया गया है immoral property से, अगर dispossess हो गया है वो, तो उसको possession दे देगी. When a person is convicted of an offence attended by the criminal court, जब कोई convicted person है, जब उसको convict किया गया है. When a person is convicted of an offence attended by the criminal force for show of, आपने वो पढ़ा होगा IPC के अंदर धारा 141 criminal, जब unlawful assembly है तो unlawful assembly में भी एक provision भी है criminal force के द्वारा वो किसी कब्जा ले लेती है, तो वहां पर भी क्योंकि इस property से वंचित किया गया उसको कब्जा दिलवा देगी. तो when a person is convicted, जब इंसान को convicted किया गया है of an offence attended by a criminal force or show of criminal force or by criminal intimidation and it is appeared to the court that by such force or the show of force or dhamki ke dwara any person has been disposed of any immoral property, the court may if it think fit order the possession of the same be restored to that person after eviction, evicting by force. To court usko kya dilwa degi, possession dilwa degi, jo insaan convicted tha ya uske jo saathi hai unko evict kar degi wahan se. If necessary, any other person who may in the possession of the, अगर कोई और इंसान उसमें है तो उसको evict कर देगी, इस इंसान को possession दिलवा देगी. Provided that no such order shall be made by the court more than 1 month after the date of conviction. Conviction के एक महीने बाद ऐसा कोई order pass नहीं होगा, ठीक है, यानी immediately इसको order को pass करना पड़ेगा. Two क्या कहता है इसका?
वेयर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस हैज नॉट बीन मेड, वेयर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस हैज नॉट मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन वन, द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिविजन में इफ थिंग फिट मे मेक सच ऑर्डर वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द अपील रेफरेंस और रिविजन. तो कोई भी जो कोर्ट है, ऊपर की कोर्ट, चाहे वो अपील अपीलेट कोर्ट हो, अपील के दौरान, रिविजन के दौरान, कंफर्मेशन के दौरान भी इस तरीके का ऑर्डर पास कर सकती है. थर्ड क्या कहता है इसका, वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन वन द प्रोविजन ऑफ 454 शैल अप्लाई इन रिलेशन देयर टू एंड दे अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर. तो जो भी अगर ऑर्डर पास होगा, ये 454 और 453 अप्लाई हो जाएंगे, अपीलेट वाले प्रोविजन एंड इनोसेंट पर्सन को पेमेंट दी जाएगी. वट एवर, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल प्रेजुडाइज एनी राइट और इंटरेस्ट टू और इन सच इमल प्रॉपर्टी विच एनी पर्सन मे बी लायबल टू एस्टैब्लिश इन सिविल सूट. देखो एक चीज समझना, जब भी क्रिमिनल कोर्ट डिसीजन देती है ना, जैसे रिकवरी ऑफ पोजेशन करवा दिया, और सपोज करो किसी ने सिविल सूट भी फाइल किया है, तो जो सिविल सूट का जो डिसीजन आता है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरिट पे डिसाइड होता है डिटेल में जाकर. और वैसे भी इमॉल प्रॉपर्टी में कौन कब्जे में है, किसका होना चाहिए, ये तो कोर्ट ने अभी फॉर द टाइम बिंग अगर ऑर्डर पास कर दिया है, तो अल्टीमेटली इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द सिविल सूट. सिविल सूट का जो डिसीजन आएगा वो डिसाइड करेगा कि असलियत में क्या पता जो एक्यूज जो कब्जा चाह रहा है वो उसको कब्जा ना ही मिलना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने दिला दिया हो. तो दैट विल ऑलवेज सब्जेक्ट टू द सिविल सूट का जो भी डिसीजन आएगा. नाउ 457 पढ़ लेते हैं. प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी. पुलिस ने अगर कोई संपत्ति सीज कर ली है, सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, अब क्या करेगी. Whenever the seizure of property by any police officer is reported by magistrate, whenever the seizure of the property by any police officer is reported by magistrate under the provision of this court, and such property is not produced before the criminal court, police ने संपत्ति तो जब्त कर ली है, लेकिन वो criminal court के सामने नहीं लाई है. During an inquiry or trial, the magistrate may make an order. और magistrate साहब क्या करेंगे? Order देंगे, भैया संपत्ति सामने लाइए. May make an order as he think fit respecting the disposal of the such property or delivery of such property to the person entitled to that person. Court क्या order दे सकती है? अब कई बार ऐसी संपत्ति हो सकती है जो court में ना लाई जाए, तो उसमें court ये order दे सकती है, भाई जो संपत्ति आपने जब्त करी है वो किसी इंसान को जिसको दी जानी चाहिए उसको उसको दे दी जाए, उसकी कस्टडी में दे दी जाए. ठीक है. Order as he think fit respecting disposal of the property or delivery of the, उस इंसान को डिलीवर कर दिया जो एंटाइटल है. और इफ सच पर्सन कैन नॉट बी असर्टेन, अगर कई बार होता है अननोन पर्सन है, नहीं पता, रिस्पेक्टिंग द कस्टडी एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सच प्रॉपर्टी, तो कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी उस हिसाब से चलना पड़ेगा. कोर्ट ये भी कह सकती है जो आगे लिखा है टू में, इफ द पर्सन सो एंटाइटल इज नोन, अगर किसी इंसान का पता है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मैं ऑर्डर द प्रॉपर्टी बी डिलीवर्ड टू हिम. ऑफ कोर्स ही बात है, पता है तो उस इंसान को डिलीवर कर दी जाएगी. कंडीशन तो लगाई दी जाएगी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में कोर्ट में आना पड़ेगा. एंड इफ पर्सन इज अननोन, अगर वो अननोन है तो क्या होगा, द मजिस्ट्रेट में डिटेन इट. मजिस्ट्रेट ऑर्डर कह सकता है भाई इस संपत्ति को डिटेन कर लीजिए. एंड शैल इन सच केस इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम करवा देगी कि भाई ये किसकी संपत्ति है, न्यूज़पेपर में निकलती है जैसे. स्पेसिफाइंग द आर्टिकल ऑफ विच सच प्रॉपर्टी कंसिस्ट एंड ड्यूरिंग एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु मे मेक अ क्लेम देयर टू और अपियर बिफोर हिम. और प्रोक्लेमेशन में ये होगा कि भाई जिसकी संपत्ति है वो कोर्ट में आए, कोर्ट में अपियर हो, अपने क्लेम को साबित करें. एंड एस्टैब्लिश दिस क्लेम विद इन अ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर करें. अब ऐसा तो है नहीं कि संपत्ति को लेके कोर्ट पूरी जिंदगी भर बैठी जाए, बैठी रहेगी. तो 6 महीने के अंदर अपनी संपत्ति को क्लेम करे. 6 महीने हो गए नहीं करा तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करो, बेचो दो उसको. टाइम दे दिया ना, 6 महीने बहुत है, और हम न्यूज़पेपर में भी कटिंग निकाल रहे हैं. प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमनेंट अपीयर विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने के अंदर नहीं आता है कोई क्लेमनेंट, ठीक है, तो क्या होगा. इफ नो पर्सन विद इन द सच पीरियड एस्टैब्लिशेस क्लेम टू सच प्रॉपर्टी
एंड इफ द पर्सन इन हुज पोजेशन सच प्रॉपर्टी वाज फाउंड इज अनेबल टू शो दैट इज वाज लीगली रिक्वायर्ड बाय एक्वायर्ड बाय हिम, अगर वो अपना क्लेम साबित नहीं कर पाता है, द मजिस्ट्रेट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट सच प्रॉपर्टी शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट को वो ऑर्डर दे देगी भाई इसको जैसे आप चाहें इसका निपटारा करें, मे बी सोल्ड. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं. सोल्ड कैसे होगी, जनरली ऑक्शन ही होती है इसकी, सरकारी संपत्ति जब भी बेचती है तो ऑक्शन से बिकेगी. एंड द प्रोसीड ऑफ सच सेल शैल बी डेल्ट विद इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बना करके उस संपत्ति से आने वाला जो प्रोसीड होगी यानी पैसा जो आया होगा उसका क्या करेगी. ऑफकोर्स ही बात है जिसकी कोई संपत्ति अगर नहीं होती तो वो प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, एस्चीट हो जाता है ना. तो एस्चीट होता तो सरकारी खजाने में ही जाएगा. एन अपील शैल लाई अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द कोर्ट विच, और इसकी अपील भी लाई होगी. अगर कोई क्लेमनेंट है उसे मौका नहीं मिला तो वो अपील कर देगा, जहां जनरली अपील लाई होगी फ्रॉम द कन्विक्शन बाय द मजिस्ट्रेट. ओके, नाउ 459 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी. देखो दोबारा से वही बात आ गई जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेरिशेबल प्रॉपर्टी है तो बेच दीजिए. इफ अ पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन, कई बार ऐसी संपत्ति हो सकती है जो पेरिशेबल तो है लेकिन अननोन है, उसका मालिक का नहीं पता, या मालिक का नहीं पता या वहां पे है ही नहीं, एब्सेंट है. एंड द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू, और प्रॉपर्टी कैसी है, वो सड़ जाएगी, डीके, बहुत जल्दी सड़ने वाली है या नेचुरली कुछ दिनों में सड़ जाती है. और इफ द मजिस्ट्रेट टू हुम इट इज सीजर इज रिपोर्टेड इज ओपिनियन दैट इट सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, या मजिस्ट्रेट साहब को लगता है ये जो संपत्ति है इसका बेचना ही ज्यादा उचित रहेगा बेनिफिट ऑफ ऑनर, क्योंकि अभी अननोन है, मिल नहीं रहा. और दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, या कई बार ऐसी होती है कि एक वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की, इसमें दो चीजें हैं, कब बेचने का ऑर्डर देंगे, बेनिफिट ऑफ ऑनर या वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो 500 रुपये तक से कम है तो लेस देन 500 रुपीज है. मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम डायरेक्ट इट टू बी सोल्ड एंड द प्रोविजन ऑफ 458 शैल एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेक्स्ट प्रोसीड, और उसके बाद जो भी पैसा रिकवरी होगी उस पर 457 458 अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए होंगे उस हिसाब से उसका पैसे का प्रोसीड को रखा जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो जाता है आज, ये 459 था. एक बार बैरेट से आप बिल्कुल इसको पढ़ लेना, पढ़ लेंगे तो आई डोंट फाइंड के कोई इसमें एम्बिग्यूटी आपके पास रहेगी. ठीक है.